गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, तूफ़ानी बारिश में पहुँच गई मैं आप तक और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वैसे हमारे अंदर ना बड़ा एक बहुत बुरी आदत है एक्शन रिएक्शन हर चीज़ की। आप बॉल फेंकते हैं वो भी वापस आती है, उसी तरह अगर कोई आपको टैंट्रम थ्रो करता है या आपको कोई छेड़ता है, आपको तंग करता है, तो आपकी फितरत है, इंसान की नेचर होती है कि उसने बदला बदला बदले की आग ज़रूर उसके अंदर भड़कती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, मैं उधर जा रही हूँ, शिफ्ट कर लो कैमरा, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और किसी आपके दोस्त ने आपकी शिकायत कर दी है आपकी टीचर से, तो आप उससे बदला लेने वाली जो चीज़ है वो कभी कभार पी जाते हैं और कहते हैं मौका मिलेगा फिर लूँगा बदला, है ना। अक्सर माफ़ भी कर देते हैं कि आप क्या लड़ाई झगड़ा करें, प्रिंसिपल के पास ना जाना पड़े। लेकिन अगर ये चीज़ आपके घर में हो, यानी कोई आपका बहन भाई आपकी शिकायत अब्बा अम्मा से लगा दे, तो फिर उसकी तो खैर नहीं। या तो उसके नाखून, आपने नाखूनों से आप उसको नोचते हैं अगर लड़कियां हैं, बाल खींचते हैं लड़के हैं तो घूसे वूसे मार के, लात वात मार के अपना बदला पूरा करते हैं, या फिर उसे बाथरूम में लॉक कर देते हैं, या कोई ऐसी चीज़ या उसका कोई भी पसंदीदा चीज़ ख़राब कर देते हैं। तो बहन भाइयों का रिश्ता ऐसा खुला डुल्ला होता है, मोहब्बत है, प्यार है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो कुछ है वो ज़बान पर है, कोई मिश्रणपन बहन भाइयों से नहीं चलता। सो इंसान की जो नेचर है वो हमेशा ऐसी होती है कि जब लड़ाई झगड़ा हो तो वो भी खुलकर होता है, लेकिन प्यार मोहब्बत और दुख का इजहार भी बहन भाइयों से ही खुलकर होता है। ये मैं बहन भाइयों की बात आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वो अक्सर जो माएँ हैं वो कहती हैं बेटा ये माँ है जिसने तुम्हें मोतियों की तरह पिरोया हुआ है और एक फैमिली बना के रखा हुआ है, लेकिन माँ के जाने के बाद कोई एक ऐसा बहन भाई होता है, कोई एक ऐसा ज़िम्मेदार बहन भाई होता है जो सबको आपस में जोड़ के रखता है। और उस जोड़ने की टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती हैं, वो टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं इन बहन भाइयों को बुला के जो अभी आने वाले हैं इनसे भी पूछूँगी क्या हैं आपकी टेक्निक्स जिससे आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिनके बहन भाइयों को शायद आपने अब तक कभी नहीं देखा होगा हमारे शो पे आज मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी एक्ट्रेस, मासूमियत से भरपूर, और मैं तो सलाम जो है ना बहन को कर दिया, इतनी आपस में मिलती जुलती हैं मैं समझी कि अच्छा यही वो हैं जो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वो उनकी बहन है। सो आइए देखें कितना मज़ा आएगा आज आपको आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के सिबलिंग से मिलके। मैं अभी जिस सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ उनको आपने देखा होगा, साया 2, खुदा और मोहब्बत 3, ऐदे वफा, भूल जा ए दिल, लापता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अभी आप उनको देखेंगे मेरे शो पर अपनी बहन के साथ। सो आइए वेलकम करते हैं मोमिना इकबाल अपनी बहन रिमशा इकबाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल एक ही सांचे में बनी हुई दोनों बहनें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? तुम बिल्कुल ठीक। कितने साल का डिफरेंस? हाँ बहन बता रही है, कैमरा उधर है। तीन साल का है माशाल्लाह। सो ज्यादा डोमिनेटिंग बहन कौन है? जरूरी नहीं है कि बड़ी बहन ही डोमिनेटिंग, जरूरी नहीं होता। वैसे मैं तो बिल्कुल ही फुसड्डी बहन हूँ। मैं छोटी हूँ। तुम छोटी हो? अच्छा, ओके। छोटी बहन की नेचर थोड़ी डोमिनेटिंग है। जो कपड़ा आता है वो पहले ये चूज करती है कि कौन सा कलर लेना है। और जो पसंद नहीं आता वो मोमिना को मिलता है, ऐसा होता है? नहीं, मतलब इसके भी ड्रेसेस मैं सिलेक्ट करती हूँ कि इसने क्या पहनना है, मैंने क्या पहनना है। और स्क्रिप्ट भी तुम्हारी यही सिलेक्ट करती है? यही सब कुछ। बस आज सब लोगों को पता चल जाएगा वो स्क्रिप्ट मोमिना ने क्यों रखा है। क्रेडिट गोज टू रिमशा। हाँ, ये तो वो बहुत बात सुनती है मेरी, वो बहुत बात सुनती है। वाकई ये साइकेज्म है या क्या? नहीं, सच में बहुत बात सुनती है। अभी मतलब इवन मैं लाहौर भी होती हूँ ना, तो ये कराची होती है, जरा सा कुछ होता है मुझे कॉल आ जाती है। मतलब मैं कहीं भी बिजी होती हूँ ना, पहले कहती नहीं नहीं मेरी सुन ले, अब क्या करूँ मैं, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे मैं उसको मशवरे देती रहती हूँ ये कर ले, कुछ भी काम कर रही हूँ सब छोड़ के। ऐसी क्या खास बात है मोमिना कि तुम रिमशा की इतनी सुनती हो? क्या कोई तो होगी? कितने बहन भाई हो तुम लोग? टोटल चार। दो बहनें ही है ना, फिर दो भाई हैं हमारे। भाइयों की नहीं सुनती बहन? वो छोटे हैं ना, इतनी अहमियत नहीं।
अच्छा, अम्मी की ज्यादा सुनती हो कि रमशा की ज्यादा सुनती हो? दोनों की, क्योंकि ये दोनों आपस में डिस्कस कर चुके होते हैं कोई ना कोई बात. हाँ. अगर मुझे करनी होती है तो फिर समझाती है या मतलब गाइड ये कर देती है कैसे कर लो ऐसा. हाँ. मम्मा तो वो होता है ना कि एक न्यूट्रल मशवरा दे देती है. हाँ. कि ऐसे कर लो. हाँ. अम्मा को ऐसे होता है ना कि मैं इसको मनवा नहीं सकती, मजबूर. हाँ. नहीं कर सकती किसी चीज के लिए. वो फिर मुझे बोलती है कि तुम इसको समझाओ, इसको बोलो ये करे. अच्छा, तुम बहन वाला. सो ये वो वाली बहन है जिन्होंने रूम शेयर किया हमेशा से साथ साथ. हमारे घर में इवन एक्स्ट्रा रूम भी है लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हमने अलग नहीं रहना, हमने एक ही रूम में रहना है. स्कूल कॉलेज वगैरह में जब पढ़ रहे थे तो साथ साथ थे. हाँ, बिल्कुल साथ. क्लास भी जंप कर ली थी क्या? नहीं नहीं, हमारा क्लास डिफरेंस था. हाँ. लेकिन साथ ही थे, एक साथ ही स्कूल में. एक साथ ही. प्लीज बैठिए, बहनों बहनों वाली बातें बहुत सारी होंगी. हाँ जी, तो मैं जो नेक्स्ट बहनों की जोड़ी यहाँ बुलाने जा रही हूँ, बड़े मज़े की बातें हम करेंगे भाई. तीन तीन जोड़ियाँ हैं आज हमारे पास बहनों की, और वही सेलिब्रिटी जिनको आपने ड्रामों में तो देखा है लेकिन अपनी बहनों के साथ पहली दफ़ा देखेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है. नेक्स्ट जो मेरी सेलिब्रिटी हैं उनको आपने देखा है, अंगना, फितूर, डंक, सुतेली मामता, वफा बेमोल, रेशम गली की हुस्ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में भी बहुत सारी मस्तियां करते हुए देखा. आज वो आई अपनी बहन के साथ, घर के पोल खुलवाते हैं. आइए वेलकम करते हैं कमल खान विद आयशा खान. ओए ओए, विनिंग हो रही है आज. वाओ, अस्सलाम वालेकुम. आपको एक राज की बात बताऊं, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी ना मेरे बाल इतने बड़े थे नेचुरल, और अब देखे मेरे बालों की लेंथ. अभी भी अच्छे हैं यार, लेकिन पता है बड़े ही नहीं होते अब. अब हेयर फॉल इतना होता है कि हद है, मैं इसके बालों को देख के रश करती हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गजब ना लगे भाई. सो ये अभी तुमने भी लगा दिया इसको कर्ल्स पे? हाँ, बड़ी खुश है आज इनके ऐसे बाल बने, रापंजल जैसे बाल लग रहे हैं. रापंजल जो स्टोरी है उसकी जैसे बाल लग रहे हैं. सो तुम्हारी अम्मा ने जो तुमने तेल के किस्से सुनाए हैं वो साथ आयशा के ऊपर भी होते हैं? बहुत बहुत. अम्मी तो रगड़ रगड़ के तेल हम लोग के बचपन में लगाती हैं, तभी हम सब बहनों की मेहनत है ये. तुम लोग कितनी बहन भाई हो? हम लोग चार चार बहन. ये भी चार वाले हैं, तो दो बहने और तीन बहने, एक छोटा भाई. एक छोटा भाई है. सो आयशा से बनती है ज्यादा आपकी या फिर? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं मिडिल में हूँ क्योंकि तो मेरी आयशा से भी बनती है, मेरी बड़ी बहन से भी बनती है, इन लोगों की भी मुझसे ज्यादा बनती है कंपैरेटिवली टू ईच अदर, राइट? लेकिन हम दोनों की बनती है बिकॉज़ हमने ज्यादा टाइम स्पेंड करा है. अच्छा, तो बड़ी बहन की शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई. ओ, इसीलिए. कमरा किसने हाथी आया? हम लोग दोनों ही थे. हम लोग का तीनों बहनों का एक कमरा था, तो फिर उसके बाद जो एक बेड उसका बच गया था उसको फिर हम लोग का सारा सामान होता था. कभी वहाँ होते थे, कभी वहाँ होते थे. अच्छा, होता है ना बहनें अक्सर कुछ मतलब आपस में मिलके मस्तियां भी करती हैं, शैतानियां भी. जैसे लाइक मेरी एक बहन है, वो उसके साथ में शैतानी करने में मजा आता है. एक बहन थोड़ी सोबर है. हाँ. सो ये वाली कौन सी बहन है? मुझे लगता है हम ये सोबर ऐसी अभी टेलीविजन पे ना, तो ये सोबर बन रही है. बट जो मेरी जो बड़ी वाली बहन है ना, उसको बहुत आदत है अम्मी से शिकायतें लगाने की. अगर वो खुद भी होगी ना उस क्राइम में इन्वॉल्व, उसके बावजूद वो शिकायत हमारी जाके लगाएगी. तो ये ऐसा है कि सीक्रेट रखती है. अच्छा. और इसके साथ अगर मैं कुछ करूंगी तो अम्मी तक थोड़ी लेट बाहर पहुंचेगी. पहुंचेगी जरूर लेकिन लेट. लेकिन जो बड़ी वाली है ना, वो तो मौका है वारदात पे मौजूद भी होती है. ओहो. और सबसे शिकायत भी जाके करती है. ओहो, वो इतना ट्रस्ट लेवल वो डेंजर है. डेंजर है वो. अच्छा, जैसे मैंने इनसे भी सवाल किया था, दोनों में ज्यादा, दोनों बहनों में डोमिनेटिंग कौन है, किसकी ज्यादा चलती है? आप खुद ही बता दें डोमिनेटिंग कौन है. यही यही. अच्छा, बड़ी बहन भी है लेकिन डोमिनेटिंग. हाँ, अच्छा, इंसान की नेचर होती है ना. तो तुम हार लेती हो मतलब, जैसे अगर घर में आया है कोई चीज, चूज करो. हाँ, मैं लेट गो कर देती हूँ. चलो. हाँ, सही है. सही. हाँ, इसका ये वजह खामोश रहती है तो ये लेट गो. हाँ, चलो ठीक है, सही. हाँ. है, बोल लो. इस पे कैसे कोई असर नहीं पड़ता है? अच्छा, कहीं घूमने फिरने जाती तुम्हारे लिए तोहफे वोहफे लाती? हाँ, जरूर जरूर. और मैं बोलती हूँ कि लाना है भाई. अच्छा, हर हालत में. हक हक से बोल. हक से. हाँ. कंजूस तो नहीं है ये? नहीं नहीं, कंजूस बहनों में कपड़ों में लड़ाई तो नहीं होती? होती है बट फिर भी युद्ध होता है. युद्ध, महायुद्ध होता है. बट फिर भी इवेंचुअली छोटा बट दे रही है. इवेंचुअली ये दे देती है. दे देती है. ये ले लेती है. और मैं ले लेती हूँ वही. और पसंद भी बहन के ही कपड़े आते हैं, अपने आ ही नहीं रहे जो खुद से लिए है ना. तो ये तुमने इकट्ठी, तुम लोगों ने कहा कि भाई इकट्ठे हमने आज ट्विनिंग करनी है. जी जी, हम लोग मेरे पास था तो इसने कहा मैं भी ऐसा लेके आऊंगी, फिर ये लेके आई है.
या हम ट्रेनिंग करके जाएंगे। तो आइए बैठिए, आपको शीप रखिए, आपसे गपशप लगेगी बिल्कुल। और जी अब मैं बुला रही हूँ अपनी तीसरी जोड़ी को। यहाँ बहनों की जोड़ी नहीं है, यहाँ हम थोड़ा सा चेंज मारते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में इतनी सिबलिंग्स में फ्रैंकनेस होती है कि बहनों से भी ज़्यादा भाई से बंदा नज़दीक होता है, भाई से ज़्यादा क्लोज होता है। अब जो मेरी अगली गेस्ट हैं वो आज अपने भाई के साथ यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ, आपने उनको देखा है बेरुखी, हिजरत, सुतेली मामता, मेरे हम नशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आज वो अपने भाई के साथ यहाँ मौजूद है। आइए वेलकम करते हैं रहमा जमान विद अहमद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक लड़की को गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थोड़ा सा और आओ इधर रहमा। हाँ, एक लड़की को आज गर्ल्स सीधे करने में कितना टाइम है? मैंने कहा आज थोड़ा चेंज हो जाए। आज थोड़ा चेंज हो जाए, तो ये वही वाली लड़की है जिसकी कर्ली बाल है। मैं सबको बता दूं। सो अहमद आप कैसे हैं? ठीक है। तुम लोग दो बहन भाई हो या क्या? नहीं, हमारी एक बड़ी बहन भी है। एक बड़ी बहन भी है। अहमद से? अच्छा, वो बाहर होती है? वो कनाडा होती है। तो तुम्हारी किससे बनती है, अहमद से या किससे बनती है? ओहो, मैं देख रही होगी, लेकिन इससे वो भी अच्छी है। वो भी अच्छी है, लेकिन वो चली गई ना शादी होके। शादी होके गई, पढ़ने गई? शादी होके गई। अच्छा, सो अहमद ये कैसी वाली बहन है? जरा सख्त मिजाज वाली बहन है? नहीं, नहीं, चलो पढ़ाई करो, कुछ बड़ा आदमी बनना है? नहीं, नहीं, सख्त वाली गई, ये वाली चली गई। सख्त वाली चली गई, ये मेरी कैटेगरी में। ये वो वाली कैटेगरी, पढ़ना है तो पढ़ो, छोड़ो यार। हाँ, सेम टू सेम। हाँ, वो वाली चीज है। तो ये अम्मी अब्बू से बचाने वाली है या शिकायतें लगाने वाली? शिकायत लगाने वाली बड़ी बहन। ओड़े बो, बड़ी बहन जो बेटा जो तुम्हें चॉकलेट से ना, वो अगला सेशन नहीं आएगा, मैं बता दूं, कनाडा से कोई तोहफा नहीं आएगा। सोच लो, जो भी बोलोगे लाइव जाएगा, मैं सेंसर भी नहीं कर सकती। अहमद तुम्हें कहानी बता दूं, सारा माल कनाडा से ही आना है। अच्छी है, बड़ी वाली अच्छी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, किसने कहानी है? ये कुछ कमाती है तुम्हारे ऊपर खर्च करती है कि नहीं? कंजूस कभी, में कभी 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 कभार अगर बोलूं तो खाना वाना खिला देती खाने में। और कोई कहो कि ये स्नीकर्स आए हुए हैं, ये जॉगर्स आए हुए हैं? नहीं, बड़ा माल खर्च नहीं करती, नहीं, छोटा छोटा। और वो कनाडा वाली? वो बड़ा बड़ा। मैंने तुम्हें बचा लिया अहमद, सोच लो। आओ बैठो, गप लगाते इकट्ठे। हाँ भाई, कितना डिफरेंस है अहमद और तुम्हारा? रहमा 6 साल का। 6 साल का, माशाल्लाह। और 6 साल में होता है ना थोड़ी सी, जैसे मैं अपने घर की सबसे बड़ी हूँ ना, मुझे कहा गया आप ही बोलो, मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी, मुझे कोई आप ही नहीं बोलते, कोई आप ही नहीं बोलता, सब निदाई बोलते, क्योंकि मेरी भी 7 साल का फर्क है। जो मुझसे 4.5 साल छोटी बहन है वो भी मुझे आप ही नहीं बोलती। अच्छा, मैं भी इतनी पोलाइट है ना, कम कम बोलती है, तो कोई भी इसको सीरियस नहीं लेता। मुझे भी डरते हैं, हमारे घर में ये बचाने वाली है, बहुत कम बोलती है। मुझे तो बहुत चट्टो पट्टो लगी थी जब आई थी मेरे शो पे। नहीं, बहुत कम बोलती है। अच्छा, मतलब मुझे इससे बात करनी हो, मतलब कभी इस तरह होता है बहुत दिन बाद मिले ना, उसके बाद बहुत स्टोरीज होती है, लेकिन एक बंदा होता है ना कि बोलना ही है, नहीं है। मतलब मैं काफी दिन हो गए, 20 दिन हो गए मैं इसके पास आई हूँ, मैं अम्मा को बोलती हूँ, अम्मा ये क्या लाश मेरे साथ आपने भेज दी है। आप कितने गपूड़े हैं, आप लोग में कौन ज्यादा बोलते हैं? मैं ज्यादा बोलती हूं। हां, सुनते हैं, इसको अटेंशन चाहिए होती है, इसको भी ये सबको मैसेज करती है, मुझे अटेंशन। इनके पे तो केस, मैं क्लियर कट बता सकती हूँ ये गपोड़ी है। हाँ, लेकिन हाँ, ये बहुत बोलती, ऐसा नहीं है कि रहती है, ये ऐसे ऐसे मजाक करती है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अच्छा? हम लोग घर में इसकी कॉमेडी पे हंसते ही रहते हैं। सीरियस मजाक करते होगी ना? हाँ, तो मजाक करके चुप चुप, कोई ना कोई ऐसी बात निकलती है। मेरी भी एक दोस्त रहती है, तो वैसे खामोश रहती है, लेकिन वो साइलेंट किलर है ना, तो ये ऐसी है, ये ऐसी है। मैं जरा इंट्रोवर्ट सी हूँ ना, कि ये एक्सट्रोवर्ट है, ये किसी से भी बात कर लेती है। मैं पहले देखती, अच्छा मुझे इससे बात करनी है, फिर वो वेरी कैलकुलेटिव, मैं थोड़ी जजमेंटल भी हूँ। ये इससे बात करनी है कि नहीं, मुझे बताना एंड में मेरे बारे में।
इसका तो बिल्कुल ऐसे नहीं, किसी से भी नहीं करती. अच्छा बस ये हंसती रहती. हाँ बस. तो तुम सेट पे भी चुप बैठती हो? नहीं सेट पे तो बिल्कुल इतनी बातें. अच्छा हाँ तुम लोगों ने काम किया. इतनी बातें और सारी रौनक लगाई रखी होती थी इसने. पता नहीं हमारे शो पे भी की थी वैसे. पता नहीं मुझे लगा ही तो मेरे जैसी. सेट पे ऐसे होता है कि मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग मेरी वजह से वो ना हो कि यार अब ये चुप बैठी रहे, हमें भी चुप रहना पड़ेगा. काम कैसे करेंगे, कम्फर्टेबल नहीं होंगे. जब बहुत थकी होती है फिर ओवर एक्टिव हो जाती है. शायद हम थके हुए थे ऐसी एग्जॉस्टेड होकर चलती. अगर मैं तुम लोगों के बचपन में ले जाती हूँ तुम लोगों को, तो तुम दोनों की किस चीज पे लड़ाई होती थी? हमारी आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन लड़ाई नहीं होती. हाँ, हम लड़ते ही नहीं, कभी भी नहीं. अभी ने कभी नहीं बताया कि तुमने इसको एक चपेट मार दिया. कब मैंने हाथ ही नहीं उठाया आज तक. अरे नहीं, इस पे ना किसी पे. ये तो हाय हाय, ये तो आपने गलत किया. नहीं मैं कभी नहीं, मौका ही नहीं दिया वैसे. तुम बताओ क्या पता ये भूल गई हो, तुम्हें याद हो कुछ बचपन का वो ड्रोना खाक कभी बाथरूम में बंद किया है? चार्जर की तो लड़ाई हर घर में है. एसी स्लो कम की लड़ाई होती है. क्या क्या है मासूम लड़ाइयां? स्लो या कम मुझे बहुत सर्दी लगती है. मेरा सबसे छोटा भाई भी बोलता है कि ना मतलब अभी मैं नहीं हूँ उधर, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुझे तू मुझे मिस नहीं कर रहा? तो कहता है कि नहीं. अब हमारे रूम में जाता है ना, कहता है मैं आराम से रात जाता हूँ, एसी ऑन करता हूँ, दरवाजे खुले छोड़ता हूँ, बाथरूम के जूते सही करके नहीं रखता, बेडशीट ठीक नहीं करता. मतलब मैंने कहा वो फुल एंजॉय कर रहा है इस वक्त. उसको ये सारे पर्क्स मिल रहे हैं अभी इस वक्त. अच्छा मैं तुम लोग की बचपन की तस्वीर मेरे पास है, वो दिखाती हूँ. दिखाओ जरा रहमा की. अल्लाह ये देखिए, ये रहमा है आगे और गोदी में जो है वो अहमद साहब है. गोद में मैं हूँ. गोद में तुम हो? हाँ. तो अहमद किधर है? अहमद नहीं है. अच्छा तुम अकेले? नेक्स्ट पिक्चर में होगा. हाँ नेक्स्ट पिक्चर दिखाओ. दैट्स मी एंड माय मॉम. अच्छा इनकी मम्मा. ये भी तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की पिक्चर है. हाँ ये मेरी बहन है. अहमद कहाँ पैदा नहीं हुआ? अहमद तो बस निगलेक्टेड था थोड़ा. बच्चियों को होती है ना 10 मिनट खिंचवाने का, लड़के तो हाथ ही नहीं आते, खेल रहे होते हैं. और दिखाओ अहमद की दी भी है पिक्चर के? नहीं मेरा नहीं ख्याल इसके बचपन. हाँ चलो कावल की दिखा रहे हैं. तुम लोग तो ट्विन्स ही लग रहे हो, पता ही नहीं चल रहा कि डिफरेंस. ये कौन सी वाली? बड़ी वाली. ये बड़ी वाली बहन है और ये मैं हूं. अल्लाह कितना जुल्म होता था ना, एक जैसे कपड़े पहना. एक जैसे कपड़े लेकिन बाय चॉइस पहनते थे. ये बीच में छोटी है, ये हमारी ट्रायो है, ये आयशा है बीच में, और उस तरफ बड़ी वाली बहन है और ये छोटी वाली मैं हूं. ओह ओह गॉड. ओके ये मैं रो रही हूँ. वो साइड में मम्मा है, वो बड़ी वाली है, और बीच में मैं रो रही हूँ. अच्छा तुम्हें रोते हुए भी देख लिया. दिखाओ इन लोगों की है कोई? किन की? अच्छा अच्छा मोमिना तुम्हारे, तुम लोगों के भाइयों की भी पिक्चर है. चलो हम भाइयों को भी देख लेंगे. ये आ गया वो सबसे छोटा है और ये मेरे से छोटा है. मतलब तो हमेशा पिक्चर कुछ बातें में अजीब हो जाता है. हम सब में इतना एज गैप है ना, कोई अभी गेस नहीं करता है कि देख के ना हमें कि किस में क्या है. सब एक जैसे. वो बहुत छोटा है, वो मिमी से 10 साल छोटा है मेरे से. वो अभी फुल हीरो भाई है तुम लोगों के, माशाल्लाह. इनको भी आना है ड्रामो में? किसी को इंटरेस्ट नहीं. ये देखो भाई, ओए होए सारे बहन भाई प्यारे प्यारे हैं. और तुम लोगों ने कोई बचपन की तस्वीर नहीं थी जिसमें बूछे निकली हो? मैंने कोई भी थी, मैंने कहा कि ये तो बहुत मतलब बुरा लगेगा. तो कपड़े पहने में काफी पिक्चर्स में पहने थे मैंने. ये भी है, ये अम्मी अब्बू के साथ है. ये कितना प्यार, कितनी प्यारी पिक्चर है. और ये कौन है? अम्मी है. ओए ओए ये अब्बा है. बाबा को बहुत शौक है कि मैं सब. अम्मी भी कितनी यंग सी है भाई. है माशाल्लाह. और अम्मी तो बहन लग रही है. अम्मा हमसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा प्यारी है. हाय हाय अम्मा हमसे ज्यादा प्यारी है. मैं अपनी फेवरेट हूँ. एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी तरह गपशप लगाएंगे बहन भाइयों के साथ. यही होता है जब खुशी होती तो खुशी होती, जब झगड़े होते हैं ना वो कोई वीडियो वायरल हो जाए मजा आ जाए. अब तो हमें तो तुम लोग तो डराते होगे इसको. दादा बदतमीजी नहीं करना, वायरल कर दो है ना. ये वाली बात पूछते. गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आप मिल रहे हैं जी सेलिब्रिटी की बहन भाइयों से. यहाँ मोमिना के साथ है रिमशा, यहाँ रहमा के साथ है अहमद, और कावल के साथ है आयशा. बड़े मज़े के सवाल हम आप लोगों से करने वाले हैं, और इसमें आपकी अम्मी भी मुलव्वस है इस टीम.
छुप छुपा के हमने उनसे फोन करके पूछ लिया. नहीं ये आपने गलत किया क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी टीम्स है तो ये तो वन साइडेड आंसर होने वाले. अम्मा की बेटी तुम अब्बा की बेटी आपको दोनों को लेना चाहिए था ग्रुप कॉल पे यार. ये और यार तुम लोगों के घर में क्या होंगे कौन अम्मा का कौन अब्बा का. दोनों मामा के दोनों मैं बाबा की भी हूँ. हाँ ये फायदा है. और तुम लोगों क्या क्या बंटवारा हुआ है. क्या बंटवारा हुआ है कभी हमने इसको ध्यान नहीं दिया लेकिन दोनों पे है. हाँ इक्वालिटी रखते हैं. अम्मा अब्बे की लड़ाई होती तो कौन किसकी साइड लेते. हम तो अम्मी अम्मी ऑब्वियसली अम्मी की साइड आ जाते. हमारे अब्बू भी अम्मी की साइड जब लेंगे हमारी जो. हाँ बेगम तुम सही कह. हमारी जो ईदी होती है ना हम तो अम्मी के हाथ में रखते हैं. सबसे पहले बाबा जाके अम्मी के हाथ में रखते हैं. इमेजिन क्या हो सकता है. ओह माय गॉड. ओके हाँ जी पहले सवाल किससे करें हम. ओके तो कावल और आयशा की लाओ ना पिक्चर. पिक्चर तो ला बहन. हाँ आ गई कावल और आयशा ठीक है. और बीच में है इनकी अम्मी की तस्वीर. हमने तुम्हारी अम्मी से पूछा कि तुम दोनों में से ज्यादा तंग उनको खाने में किसने किया. तो उन्होंने तो जो जवाब दिया तुम लोग बताओ उन्होंने क्या जवाब. ये मैं तो नहीं करती तंग खाने में. ये तंग बहुत करती है. हाँ कुछ भी नहीं इसको खाना. मैं सब्जी भी खाऊंगी. मैंने सारे फ्रूट्स भी अगर कुछ मुझे नहीं पसंद जैसे पपीता मुझे नहीं पसंद लेकिन मैं वो खाती हूँ बिकॉज़ गुड फॉर हेल्थ. इसको कुछ नहीं खाना. इसको सिर्फ दाल चावल पे आप गुजारा कर दे. हम कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड कितना खुश होगा इसको बाहर नहीं खाऊंगी. सब्जियां नहीं खाऊंगी मतलब मेरे एक हैं. तो मैं तुम लोगों को लगता है अम्मी ने क्या जवाब दिया इसी का दिया होगा आई थिंक. क्योंकि तुम्हें भी यही लग रहा है. देखो भाई अम्मी क्या कहती है. अम्मी क्या कहती है. हाँ बिल्कुल सही जवाब. अम्मी ने कहा कि आयशा. आयशा ने मुझे रुलाया हर दिन इसका मसला. अच्छा लाओ भाई अब हो गई मोमिना और रमशा की बारी. तुम दोनों से यही सवाल है कि हमने तुम्हारी अम्मी से पूछा उनको ना को चने किसने चबाए खाने खाने में. हाँ नखरे. हाँ, मैं नहीं खा रही है पुलाव. मतलब, मेरी अम्मा इस तरह है ना कि वो उनको कुछ अलग अलग दालें या बैंगन जिस तरह कोई घर में नहीं खाता. मैं उनके साथ खा लेती हूँ तो वो कहती है कि मैं जो बनाती हूँ मेरे साथ खा लेती हूँ. और कोई उन सबके लिए अलग बनाना पड़ता. और ये तो जब मतलब शूट से 2 महीने या 3 महीने बाद आती है तो फिर बोलेगी अब मैं ऑमलेट खाऊं अब मैं चिकन खाऊं अब मैं दाल खाऊं. मतलब हर दिन वो अलग बना के देती है. इसको ये तो इसका जवाब हो गया. तुम्हारा क्या जवाब है मोमिना. तुम क्या सोचती हो अम्मी ने क्या जवाब दिया होगा. सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि ये और मामा तो एक जैसी वेजिटेबल्स भी खा लेती हैं सब. मुझे वाकई है. लेकिन अम्मी को तंग किसने किया है खाने. मुझे ऐसे लगता है. मान ले प्लीज मान ले. जबरदस्ती नहीं मानो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो. मुझे पता है वो डोमिनेटिंग है. अपना थोपेगी जो उसके दिमाग में होगा वो तुम्हारे पर जज करती है. कि मैं तंग करती हूँ खाने में क्योंकि जब वो खाना बना लेती हैं तो मैं खाना खाती ही नहीं हूँ ना. मतलब मेरी पसंद का भी बना होगा ना तो मैं भूखी सो जाती हूँ या मेरा दिल नहीं कर रहा होता. नहीं डाइट नहीं मतलब मुझे भूख नहीं लगती. ये भी मेरे साथ होती है. मुझे वो कहती है अब तुमने मुझे कहा था ये बनाओ और अब तुमने नहीं खाया तो ये वेस्ट होता है. तो मैं तुम्हारी अम्मी ने कहा होगा खाने पीने में तंग ज्यादा तुमने किया मोमिना है. देखते हैं अम्मी का क्या जवाब है. लाओ भाई देखो उल्टा देखें ये टीम वर्क चल रही है. क्या पता बचपन में तुम खाना नहीं खाती होगी और वो उन्होंने खिला खिला के तुम्हारी आदत बना दी. ऐसे वो ना मतलब घर में हम दोनों ही होते हैं तो वो मेरी बहुत केयर करती हैं. मैं कहूंगी मैं चाय बना दूं. नहीं नहीं मैं बनाऊंगी. अच्छा यहाँ बैठ हम दोनों चाय पियेंगे. मतलब ऐसे खिदमत गुजार बहुत अच्छी है माँ भाई बहुत अच्छी. अरे बापरे मैं मेरी बेटी तो हुक्म का है मुझे तो तुम बना के लाओ तुम पानी पिलाओ. अच्छा कहेंगी नहीं मैं. तो ये अम्मी ने क्यों कहा. तो इसीलिए कहो ना घर में हम दोनों ही होते हैं शायद. हमारे घर में कौन मतलब तूने खाने में तो मैं बड़ी अंडरस्टैंडिंग. भाई ये तो कराची बाकी सब किधर होते हैं. बाकी मतलब उधर ही होते हैं. मतलब मुझे ऐसे लगा कि बचपन में अभी मैं इस तरह तंग करती क्योंकि मैं शूट करते बचपन में इसने बहुत किया. अच्छा बचपन में क्योंकि ये कुछ खाती नहीं थी तो फिर मम्मा कहती थी ये खाना पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए. इसके साथ बचपन में ये इसने बहुत तंग किया लेकिन अब मैं करती हूँ क्योंकि हमारे काम की रूटीन ऐसी है. फिर कभी दिल कर रहा है कभी नहीं. अब मैं उनको तंग करती हूँ वो होती है. लेकिन बचपन में ये जिद्दी सवाल करेंगे इनकी अम्मा से. हम पूछ चुके हैं. हाँ भाई किसने ना को चने चबाए अम्मा खाने. हाँ खाने में. खाने में तो सबीन ने चबाए. हमने कंपैरेटिवली तुम दोनों में. मैंने बिल्कुल नहीं.
नहीं मैं भी नहीं खाने में मैं अपना तो बिल्कुल भी नहीं ये भी जब मैं आता हूं घर पे खाली होती है मुझे लगता है चुन लो दोनों में से कोई तो एक होगा ना अम्मा ने जिसका ना नहीं ये थोड़ा शोर करता है और अच्छा क्या कहा अम्मा ने ये आई तुम लोगों ने सही जवाब दिया क्या अम्मा ने जवाब क्या दिया देखो दोनों ने काम नहीं किया गुड 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 सो तुम लोगों का जवाब दुरुस्त हुआ तुम लोगों का पढ़ाई में कौन ज्यादा अच्छा था मैं 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 हूँ मैं हूँ अच्छी भाई पढ़ाई में तो मैं अच्छी हूँ लेकिन ताने भी पढ़ते हैं इनको भी ताने पढ़ते हैं मेरे कि देखो इससे कैसे पढ़ा है तुम लोग भी पढ़ो इसको भी छोटे भाई को भी ताने पड़ते मैं मेरी बड़ी बहन भी अच्छी थी मैं भी अच्छी ये कह रही है कि ये अच्छी थी और तुम कह रही हो अम्मी कहेंगी कि ये अच्छी है या तुम अम्मी तो मेरा ही नाम लेंगी हां पढ़ाई में इनका नाम नहीं लेकिन इनको लगता है कि ये भी अच्छी है अम्मी को नहीं लगता बट अम्मी की अगर चॉइस है तो फिर देखिए भाई अम्मी की क्या चॉइस है और क्या वो सही जवाब ओके अम्मी की चॉइस बिल्कुल भाई जबरदस्त लाइए इन्होंने तो खुद बता दिया कि ये पढ़ाई में अच्छी थी अम्मी क्या कहती हैं अब ये जानते हैं मुमिना और रमशा के दरमियान अम्मी क्या कहती हैं कौन अच्छा था पढ़ाई में ऑफ कोर्स बिल्कुल सही जवाब तुम लोगों का जवाब भी सुन अब अहमद और रहमा का पिटारा खोलते हैं चलो भाई कौन अच्छा है पढ़ाई में बच्चों को तो एक ही आवाज पर फौरन दौड़ा चलाता है वो बच्चा सो आप दोनों में से वो बच्चा कौन है अम्मी की एक आवाज पे कौन दौड़ा दोनों ही हम लोग बिकॉज अम्मी से बड़ा डरते हैं अगर एक आवाज पे अम्मी आएंगे तो एक फ्लाइंग चप्पल दूर से आएगी हम कहते हैं भाई चले जाओ और अम्मी का निशाना बहुत अच्छा है आपको पता है मैं अपनी अम्मी की एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि अम्मी का निशाना बहुत अच्छा है दूर से भी मारेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट पे लगेगी चप्पल जाके तो हम लोग रिस्क लेते हैं लोगों का जवाब ये है कि तुम दोनों ही भागे चढ़े दोनों हम सब अबू भी हमारे अबू भी सबको घर में रहना है फरमाइए जी इन्होंने तो दोनों कहा अम्मी ने क्या कहा ओके गुड बिल्कुल सही अरे भाई एक एक मिनट दिखा दो मुझे जरा मैं स्क्रीन पे मुझे दिखाए मेरे बाल कहाँ से खराब हो रही है यहाँ से मुझे पता था बारिश हुई है सारा ब्लोड रहा है सारा आयरन खराब हो गया अब बर्दाश्त कर क्या ये सही हो गया बस अब मैं ऐसे हाँ भाई क्या करूँ बारिश छतरी भी लेकर आई सारा बारिश ने खराब कर दिए बाल ओके भाई तुम लोगों से यही सवाल अम्मी की एक आवाज पे कौन दौड़ी चली है मिमी तुमने सुनती नहीं लेटे लेटे क्या क्या को बुला मैं आप कह लें कि फैमिली की फ्रेंड्स की अपने पूरे सर्कल में द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड होता है ना वो तो अम्मा कहती है इसको रहने दो मुझे अम्मा बिल्कुल वैसे भी इतना कुछ मतलब ये कराची से आई है बड़े दिनों बाद तो इसी से काम कराती है मासूम भी है ना सुन लेती है और ये वो कह रही है मासूम भी है मैं भी मन कभी कभी कहती हूँ मैं सब कुछ सुन देखा है भाई अम्मा क्या कहती है उनकी सही जवाब रहमा और अहमद अहमद या अहमद 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 ना तो ये नहीं सुनते सुन लेता है मैं खाने के टाइम भी इसको 10 इसके बाल होते हैं ना कान पे छोड़नी कर ली बाल अरे यही बहाना करती हूं कि आवाज नहीं आई नहीं मैं जरा चिड़चिड़ करती हूं ये सुन लेता है ये सुन लेते हैं चलो अम्मी क्या कहती हैं देखते हैं हम एक्सेप्ट भी करते हैं ओ भाई अम्मी ने भी अम्मा से ना पूछा होता ना तो झूठ बोल देते यहां लेकिन अम्मा से पूछा अम्मा से पूछा हां भाई अम्मा ने इतने सच बोला अच्छा भाई अगला अगला सवाल ये कि तुम दोनों में से ज्यादा डांट किसको पिटी है अम्मा से मैं तो नहीं हूँ मैं तो बताया मैं सीधी सी हूँ मैं खुश हो जाती हूँ तो ज्यादा कंपैरेटिवली डांट तुमने कहा ये इसके मुकाबले मैं तो मुझे लगा इक्वल है सब इस मामले में अबू भी नहीं नहीं अबू तो टॉप ऑफ द लिस्ट अबू टॉप ऑफ द नहीं नहीं लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ डांट वाली यही है मैं किस चीज पे डांट खाऊंगी मैं तो बहुत ओबिडिएंट हूँ मैं नहीं खा सकती तो दोनों को डांट नहीं पिटी डांट पिटी ये तो हो ही नहीं सकता बट मुझे लगता है एक सिचुएशन पे आके खामोश हो जाती नहीं इसको पिटी है क्यों नहीं अब मैं बताती हूँ ये खाना नहीं खाती इसको कपड़ों में बहुत मसले ये कहीं आना जाना हो तो उसमें ही मसले करती है इसको बहुत मसले होते हैं ये चुप तो हो जाती है बट ये वो काम करती भी नहीं है बहुत जिद्दी है तो आई गेस इसको डांट अम्मी ने अम्मी क्या कहती है देखते हैं क्योंकि मैं तो
सही जवाब तंग करती है। मम्मी ने भी यही बताया सही जवाब। हाँ भाई तुम दोनों में किसने ज्यादा चपेड़े खाई हैं डांटे खाई हैं? और मैंने अपने से छोटों पे निकाल लिया। अब्बा से इतना कहीं कम ही डरते होंगे जितना वो मुझसे डरते नहीं कहीं अभी भी। और मतलब बोलते भी नहीं है कुछ, बहुत डरते। क्यों डरते? पढ़ाई नहीं करते या कुछ भी बाबा के बहुत बाबा घर में ही बोलते थे कि वो जो कहेगी तो मैं नहीं बोलूंगा, वो मारेगी तो मैं नहीं बोलूंगा। बेबी बॉस मैं नहीं, जब मुझे मौका मिलता था ना मैं अच्छे तरीके से बताता था कि मैं बॉस हूं, मैं बॉस हूं। देखते हैं अम्मी ने क्या कहा है भाई, किसने ज्यादा चपेड़े खाए। अम्मी ने बता दिया बेटा। हाँ भाई यहाँ यही सवाल तुमसे करूँ, अगर मैं रहमा रहमत तो मैं बहुत पिटी हूँ। तुम मत पिटी हो? मैंने बड़ी डांटे। कोई कोई वो नहीं शनाख्ती कार्ड पे लिखा होता है ना कोई निशान शनाख्ती अलामत? नहीं वैसा तो कुछ नहीं। शनाख्ती अलामत तो नहीं हुई कोई कभी? नहीं नहीं, वो आधा ज्यादा पाकिस्तान वालों की शनाख्ती अलामत गाल पे तिल। हाँ, लड़कियों की तो ये चाहे हो ना हो गाल पे तिल लिखा होता है ना सबके, बन भी जाता ना इजीली। हाँ, बन भी जाता है। अच्छा तिल जो है वो बनकर कभी कभार खत्म भी हो जाता है। मेरा एक तिल मेरी जिंदगी में पैदा हुआ इधर और खत्म भी हो गया, मेरी शनाख्ती अलामत यही है। जब शनाख्ती कार्ड बन रहा था तब तक ये तिल था। अच्छा, उसके बाद पता नहीं बर्तन धो धो किया खत्म भी हो गया तिल। मैंने कहा ये तो बाद में आया और बात चला भी गया पता नहीं। अच्छा ऐसे हाथ पैर वाले अक्सर आके चले जाते हैं, बाजू वाले स्टे करते हैं, ये पता नहीं क्या। फेस वाले भी आके स्टे करते हैं बहुत। हां ओके जी, सवाल हो गया, हमने पूछ लिया था। हां ओके मैं पिटी हूं। क्या सवाल था? मैं भूल गई तिल की। देखा मैं पिटाई हूं। हां ये पिटी है। जवाब दिया था कि तुम पिटी हो और मैंने भी माना भी है कि मैंने मारा है। हां मैं गच के मारा। ओके आपस में अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि कौन ज्यादा झगड़ालू है, शुरू कौन करता है झगड़ा? आई थिंक ये करती है। तुम्हें लगता है ये बात में कभी भी नहीं करती? और तुम्हें क्या लगता है? खत्म नहीं करती, शुरू नहीं करती लेकिन खत्म मैं करती हूं। मैं खत्म कर देती हूं एग्जैक्टली। तय कर लो कौन ज्यादा झगड़ालू है, क्योंकि अम्मी ने तो सच बताया होगा। पता नहीं लोग मुझे गलत बयानी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती। हाँ तुम्हें लगता है तुम नहीं करती लेकिन ये कम बोलती है। आई गेस मेरा नाम गया। हां ज्यादा बोलने वाले फंसते हैं हर चीज में, हालांकि मैं नहीं करती। दिखाएं जरा अम्मी क्या कह रही हैं, कौन झगड़ालू है ज्यादा। अम्मी ने तुम्हारा ही नाम लिया। कोई ना कम बोलने वाले थोड़े मीसने भी होते हैं। मीसने होते हैं सही आप कह रही हैं। हां उसी से एक लफ्ज बोल के हम लोग कहते हैं जब तक जस्टिफाई नहीं कर लेते हम आपको चुप नहीं होंगे। हां यहां क्या सीन है? हाँ मतलब अम्मा ने यही कहा होना क्योंकि अम्मा को नहीं पता कि ये ऑप्शन नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों नहीं। हम दोनों में लड़ाई नहीं होती बिल्कुल नहीं। अम्मा ने दोनों ऑप्शन भी कहे हैं, उनको बोला था। मेरी अम्मा को नहीं पता, उन्होंने नहीं कहा होना। अच्छा। हमारी वैसे लिटरली कभी लड़ाई नहीं लड़ाई। मतलब ये हमारे चारों बहन में एक बेस्ट फ्रेंडशिप है। मैं सबसे आगे, ये तो सबको पता है। मैं वैसे इसके साथ तो बिल्कुल नहीं करती लेकिन नहीं। अम्मी ने क्या जवाब दिया था? ठीक जाता है मेरा ही दिया होगा इसलिए होता था। अच्छा चलो जवाब देखते हैं कि अम्मा ने क्या जवाब दिया, उसके बाद फिर मैं उन्होंने आपके नाम दिया होगा, उन्होंने तशरीह भी की है जवाब देने के लिए। मेरे अब्बा से पूछना चाहिए था सब। अच्छा अच्छा अम्मा ने जवाब ये दिया है कि झगड़ा इसलिए होता था कि ये बिना परमिशन तुम्हारी चीजें ले लेते। मतलब ऐसे चीजों पे नहीं, ऐसे होता था कि मुझे ये होता था कि ये रखती नहीं है वापस से। शेयरिंग तो चलती है ये। इसका पता क्या होता है, अगर ये आई है ना तो इसने जूते वो जो स्टैंड पड़ा होगा ना जूतों वाला उधर ही बैग क्योंकि मैंने रोज भाई जाना होता ना मेरे पास टाइम नहीं होता और सही करके रखो भाई वही सब मिल जाएगा। रोज नई चीज पहननी है मतलब जितना, लेकिन सब मैं ही ठीक करती हूं ये इसकी सारी वार्डरोब की सारी ज्वेलरी हर चीज। हां पहले तो नहीं करती थी, अब मैं अच्छी हो गई ना, मैच्योर हो गई हूं। लेकिन यहां पे ये है कि ये मेरा जो भी चीज इस्तेमाल करती है ना वो धो के साफ करके कंफर्ट करके फिर मेरी अलमारी में तय करके रखती है, तो ये इसका है तो मैं इसको दे देती हूं। आगे तक मिलता रहे ताकि है ना मिलता रहे इसको। हाँ बहुत जरूरी है। हाँ जी यही सवाल अगर आप लोगों से करें तो हम लोग नहीं लड़ते किसी हाँ। भी चीज पे झगड़ालू कंपैरेटिवली दोनों में कौन है? अगर ओवरऑल लड़ने की बात है तो रहमा ओवरऑल मतलब आती है जो आगे चढ़ के बैठ कर दी जवाब ये झूठ कह रहे हैं अम्मी का जवाब मैं नहीं लड़ती मामा रहमा नहीं मामा
मैं कब लड़ी हूँ? मैं ना चिढ़ जाती हूँ, जैसे कि कोई चीज मैं कर रही हूँ और मैंने वो सोच लिया कि मैं इस टाइम पे उठ के कर लूंगी और मैं इस तरीके से कर लूंगी, अब मम्मा ये अभी कर लो, यहाँ से उठा लो, वहाँ से कर लो, तो भाई मैं कर रही हूँ, मैं अभी कोई चीज कर रही हूँ, मैं ईमेल सेंड कर दूँ, मैं कर दूंगी उठ के, कोई आफत तो नहीं आ गई ना? अभी भी चिढ़ गई है? नहीं, हमारे कुछ और जवाब दिए, हमारे कुछ और जवाब दिए, अम्मा कह रही है दोनों झगड़ा नहीं, हम आपस में ही झगड़ते, खामोश रहते हो घर में, झगड़ा नहीं हो तो स्पाइस क्या है लाइफ, हम आपस में नहीं झगड़ते, मैं इसको छेड़ती बहुत रहती हूँ और ये चिढ़ता है कभी कभी, मुझे वो कर देते कि अभी हट जाओ, मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ, फिर मैं और ज्यादा, क्योंकि मैं सारे दिन से ऑफिस से आता है, इतना छोटू सा, हाँ तो पढ़ाई खत्म हो गई, नहीं हम जालिम, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है, ओ ये था अमेरिकन सिस्टम, देखो जरा मेरे, मैं अपने बच्चों को भी दिखाऊं, बेटा प्रोग्राम जरूर देख, अच्छा तो तुम खुद ही जॉब करने का शौक हुआ कि? इंटर्नशिप कर रहे हो अभी? नहीं नहीं, तो एक्सपोजर के लिए यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले इसने का थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छे डेवलप हो जाते हैं, ग्रेट, आजकल बहुत जरूरी है यार, ये भी छोटी सी उम्र में जॉब कर रही है, मैंने तो अपने जूतों के लिए, महंगे महंगे कपड़ों के लिए जॉब करना स्टार्ट की थी, अच्छा, तो बाबा कहते थे दिस इज योर पॉकेट मनी और बस तुम्हें इसमें करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो थी वो मैं मेहंदी मेहंदी लगा कर या टीचिंग करके, फिर जितनी भी सैलरी थी सबके कपड़े और जूते बस। मैंने भी 15 साल की उम्र में जॉब शुरू करी, अच्छा, हाँ मैं घर में कमा के नहीं खिलाती थी, लेकिन मेरी अम्मा जब जो समर वेकेशन आती थी या कोई भी छुट्टी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच का गैप, चल भाई बेटा नौकरी पे लग, अच्छा, और मुझे बड़ा मजा आता था, पैसे कमाने में मजा आता है, मुझे पहली दफा उल्लू बना के जॉब पे रखा गया, मुझे कहा ब्यूटी एडवाइजर, ब्यूटी एडवाइजर की ट्रेनिंग दी गई और फिर मैं ऐसी थी भोली भाली बिल्कुल सच्ची में, और मुझे जाके ना सेल्स गर्ल बना के खड़ा कर कंपनी ने, वो किसी कॉस्मेटिक कंपनी थी, ब्यूटी, आप ब्यूटी एडवाइजर है, बैज भी ब्यूटी एडवाइजर का लगा दिया, और उसके बाद जाके मुझे एक बड़े मॉल पे खड़ा कर दिया कि आप ब्यूटी एडवाइजर है, आपने एडवाइस करनी है, और वो जो सेल्स बॉयज थे मेरे करीब, सुने वो नेल पॉलिश उठा के हैं, तो मुझे कुछ एक दो हफ्ते बाद, एक महीने बाद पता चला कि तो मुझे उल्लू बनाया है ब्यूटी एडवाइजर का कह के, सेल पढ़ी लिखी लड़की को सेल्स गर्ल, उस वक्त जो है इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं होती थी सेल्स गर्ल्स के पास, बना दिया खूबसूरत सेल्स गर्ल्स, सेल्स गर्ल चाहिए सो फिर मैंने एक महीने बाद का मम्मा सुने कि मैं कर रही हूं, धोखा हो गया है, मेरा धोखा हो गया, बस सैलरी मिल जाए उसके बाद नहीं करूंगी, दो महीने की छुट्टियां खत्म हुई तो जॉब भी खत्म हुई, सो मैंने भी जॉब की है 14 साल में 15 साल। हां भाई नेक्स्ट सवाल, ओके, कहीं भी जाने के लिए जैसे हो ना कोई शादी है खानदान में, हमें जबरदस्ती घसीट के शादियों में ले जाया जाता था, चलो चलना पड़ेगा, तो अगर ये अम्मा बाबा पूछते हैं तो कौन मना कर देता है? ये मना कर देती है, इसको नहीं जाना, नहीं नहीं सोशलाइज होना, शादी में जाना, हां मैं मना कर देती हूं, आइए इसको इतना नहीं बाहर लोगों में इतना आना जाना नहीं पसंद, दिखाएं जरा अम्मा क्या कहती है, हां सही जवाब, पर इधर क्या ख्याल है, और मतलब पूछना भी नहीं है, मैं तो बोलती हूं आप जा रहे हो कि नहीं, मैं जा रही हूं, सारे मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे कजिन्स मेरे फ्रेंड्स सबको ही होते कि तू आ रही है, नहीं जाती, और ये साफ नहीं, बाबा को भी पता है कि मैंने जहां बोलना है ये जाएगी, इवन ड्राइवर भी मैं होती हूं कि चलो मैं ले जाती हूं, बस चल लो, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं, किसको जहां कहते हैं ना लेके जाती, मैं नहीं जाती कहीं, तुम नहीं जाती, अम्मी भी यही जवाब देंगी, देखते हैं, देखिए मैं अम्मी क्या जवाब देती हूं, उसको तो रोज तैयार होने का शौक है, पर नहीं मुझे लोगों में रहने का, हां हमें तैयार, नहीं मुझे तैयार ना भी, मुझे लोगों में रहने का, मतलब लोग होने चाहिए, सोशल है, फन भाई, ये सही लॉयर बने, इसको बोलना भी आता है, पब्लिक अफेयर्स है, वही तो, चलो भाई तुम लोग बताओ, मुझे शौक है, मेरा दिल चाहता है कि कुछ मिस ना हो, बड़ा मजा आता है, तैयार में तो मौका चाहिए तैयार होने का, ये मना कर, लड़के तो वैसे भी मना कर देते हैं, उनको तो कोई रीजनिंग भी स्ट्रांग नहीं होती है, मुझे होता है कि ये मेरे साथ चल ले, क्योंकि वहाँ फिर देखो सवाल पता है क्या है, सवाल ये है कि अम्मी जहाँ कहती हैं चलने को इनकार कौन करता है, नहीं फिर मैं नहीं करता, मामा जहाँ बोलती है मैं लेके जाता हूँ, मामा मामा लेके, मामा को ये हर जगह लेके जाता है, मैं शादी और दावत बस, अपनी मर्जी की जगह पे जाती हूँ, हाँ मतलब जहाँ मुझे मजा आना है वहाँ मैं जाती हूँ, एमिनी मॉल में फिरने जाती हूँ, मतलब अगर अम्मा ने कहा चलो तो तुम इनकार कर सकती हो, मैं ज्यादा इनकार ये कर, ये मामा को, ये ओबीडियंट बेटा, दिखाएं भाई मामा ने क्या कहा, ये उन्होंने अपनी शादियों दावतें सेव कर लिया, आगे इसको लेके जाना है, और मुझे लगता है भाई जो होते हैं ना छोटे स्पेशली वो बेचारे होते हैं,
उनको दही दूध कपड़े और डिटर्जेंट से उठवाने ब्रेड हमारे घर ऐसे ही मेरा मैं जॉब गाड़ी चलाना शुरू किया और जॉब मेरे सब कट जाते हैं। ये देखो मैं समझ गई, गाड़ी चलाना शुरू किए इस वक्त तो कोई हुक्म करे कहां चलना है, ये हम भी कहेंगी कहीं भी जाना है दूसरा कराची का कॉर्नर होगा मैं हाजिर हूँ। हमारे घर में इस तरह होता है कि नॉर्मली होता है कि भाइयों को बोलते हैं कि छोटा भाई है तो दही लेके आओ, और मेरा अम्मा किसान था अम्मा किसी को ना कहो नहीं, अगर ये बिजी भी है ना मैं ले आती हूँ। अब हमारे एरिया में जो कोई दही वाला सब्जी वाला ना मैं जाके अपनी गाड़ी रोकती हूँ, उसको पता ये क्या लेने आई है। मैंने कहा मैं मशहूर हो गई मुझे ये सब्जी भी लेने आती है दही लेने आती है। वाह वाह भाई, मेरे सारे दोस्त भी बोलते हैं कि मतलब तू तो मतलब छोटे भाई को होता है लेकिन तू अपने घर का सही छोटा भाइयों से कोई ऐसे काम कराते हो कि चलो दुपट्टा इस्त्री करके दे दो? हाँ वो करते हैं, उनको जो बोलो। सफाइयां मैंने बहुत कराई हैं। तुम लोग तुम कराती हो इससे कोई काम? मैं करवाता थोड़ा बहुत। हाँ हमारे भाई तो पराठा बहुत बना लेते हैं, बहुत नाश्ता बना के देता है मुझे, बहुत अच्छा भाई है। तुम लोग कराते हो भाई को चाहे वो ना करे, बना के रखा हुआ? नहीं किंग विंग नहीं, हम छोटा है ना तो हम उसको बोलते हैं ये भी करना है, नहीं करोगे तो हम चढ़ जाएंगे ऊपर। सही चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। भाइयों को ना बोतला बना के ना रख के आगे बड़े प्रॉब्लम होती है उनकी। वो बोलते हैं हमारे भाई तो कि अम्मा आप इनको देखे, हमने इनकी शादियां करनी है, उन्होंने कहना हमने कुछ नहीं सिखाया हम, और हमारी बीवी आके भी हमसे काम कराएंगे। अम्मा कहते हैं हाँ बस ठीक है वो अपने टाइम पे कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो। गुड गुड, एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद गप्पे लगेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना मजा आ रहा होगा घर पे बैठ के, आप बारिश देख रहे होंगे खिड़की में, चाय पी रहे होंगे, पकौड़े खा रहे होंगे, लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं इतने मज़े के लोगों से गप्पे लगा रही हूँ। और इस तरह इसी तरह की छोटी छोटी यादें होती ना, जब कोई ऐसी बारिश का ज़माना तुम लोगों को याद है तुम लोग बता सको कि वहाँ उस बारिश में बड़ा मज़ा आया था, कोई याद है पिट्टू बारी खेला था और एक साथ जैसे एक तो मुझे वाकई याद आ रहा है। हाँ। बकरीद के टाइम पे बारिश हो गई थी और हम लोग बहुत छोटे थे। अच्छा। मतलब बहुत छोटे थे ये लोग, तो इसमें से जैसे इसमें और मुझमें 4 साल का डिफरेंस है। अच्छा। तो मुझसे वो छोटी होगी। हाँ। तो मेरी हमेशा से आदत है ना कि मैं कुछ ना कुछ भंड मुझे मारने होते हैं। हाँ। अब सब कुर्बानी के अंदर लगे हुए और वहाँ दूर गली में ऊँट की कुर्बानी हो रही है। अच्छा क्या हुआ कि ऊँट की कुर्बानी में सब ऊँट की कुर्बानी देखने के लिए खड़े हुए, बारिश हो रही है तेज, अचानक से ना वो ऊँट जैसी कटा ना, सब हमको आगे भी कर दिया, सबने हमें आगे कर दिया, हाँ बेटा आगे आजो आगे आजो, हम सबसे आगे खड़े रहे और मेरा ऊँट सामने सामने और हम लोग देख रहे हैं वो कट रहे, उसको मारा ना जैसे कसाई ने तो वो बिदक गया और उसकी एक टांग बंधी, वो वैसे ही भागा स्ट्रेट टू अस। एंड वी लाइक अब क्या करना करना, हम गिर गए, हम लोग गिर गए एंड द ऊँट वर स्टैंडिंग ऑन मी लाइक दिस, एक टांग से खड़ा हुआ और वो मुझ पे गिरने वाला था कि पीछे से वो यूं होके बैलेंस होके पीछे गिर गया और हमारे घर में किसी को खबर भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग छोटे थे ना, हम कहाँ जाते थे, हम बच गए, हम पे गिर जाते, हम घर पहुंचे, हम सब पे ऊँट का खून था, मेरे बोले कहाँ से आया तुम लोग, ये कहाँ से क्या गिर गया वहाँ की, डर गई थी वहाँ कितना खून कैसे, मतलब हमारा तो अपना नहीं है। हाँ। वो ऊँट का था तो बहुत डांट, तुम लोग याद है कोई बारिश का अपना किस्सा, कोई बार बारिश हो रही थी, खाला के घर ना सब इकट्ठे होते थे ना। हाँ। तो जब बारिश होती थी पहले हम छत पे पानी जमा करते थे, फिर एक सर्कल बना के पता नहीं कौन सी गेम थी ऐसे करके बैठना होता आंखें बंद करके, लाल परी आना, चुप चुप के एक थप्पड़ मार के पीछे मुड़ के तालियां, सारे लड़के लड़कियां हम इकट्ठे खेलते थे, बोलते थे कि जो थोड़ा सा हिलेगा उसको ना कोई मारनी होती थी चीज, और आपने चुपके से उसके पीछे रख दिया तो ये खुद आपने डिस्कवर करना होता था कि किसके पीछे, लाल परी है, लाल परी है कराची में इसको लाल परी कहते हैं, मुझे पंजाब में नहीं पता कुछ और नाम, वो यू यू उसको गीला करके जोर जोर से मारते थे। तुम लोग को याद है कोई पानी का स्पेशली मम्मा जाने ही नहीं देती थी बारिश में, छोटी एज में मैं बारिश में गया ही नहीं हूँ, मम्मा कहती थी नहीं तुम्हें करंट लग जाएगा या ये लग जाएगा, मुझे जाने ही नहीं दिया, आप जाते देती थी। हम दोनों बहने बाहर पानी में खेलती हैं। ये अंदर बैठा रहता था। हाँ। क्योंकि वो बड़ी है, वो समझदार है। हाँ। तुम्हें करंट लग जाएगा। हाँ। तुम्हें बारिश में आज तक एंजॉय नहीं किया? नहीं, अब तो मैं लेकिन बड़ा मजा आता था हमारी खिड़की से रोता देख रहे की मैं नहीं आ सका, हम बाहर खो खो खेल रहे, सारे खेल रहे और सब कर रहे।
अंदर खड़ा पता नहीं आज पूछूंगा मामा से रीजन क्या रीजन क्या रीजन था कि मुझे करंट लग सकता है तुम लोगों को नहीं लग सकता। इसी तरह की यादें हैं तुम लोगों की जो वो तुम लोगों को याद आएंगी पिक्चर्स के थ्रू। तो कावल तुम्हारी यादों से शुरू करते हैं। अजीब कावल की क्या याद है भाई, ये क्या कॉपी चेकिंग है कोई चीज़? अच्छा क्या इसकी क्या याद है? वो मैं इस ये जो थी ना इसकी ना टीचर्स कॉपी वगैरह चेक नहीं करते थे तो बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था स्कूल में। तो ये रोज चेक नहीं करते कॉपीज क्योंकि ये लेट सबमिट करवाती थी ना अपनी कॉपी से कहते नहीं लेट वर्क है हम चेक नहीं करेंगे फिर एंड में वो मार्क्स काटते थे पेपर्स में से। तो इसी में रोज ही बैठ के तो मैं आई इसके पास मैंने कहा ये क्या तुम क्यों रो रही हो? मैं भी छोटी थी तो कहती मेरी कॉपी चेक नहीं करी वो मुझे फेल कर देंगी ये वो इस तरह की बातें। मैं तो क्या हुआ मैं चेक कर देती कॉपी रेड पेन वो छुपा के रखा हुआ था बेड के नीचे रेड पेन ना मिले ना किसी को कि चेकिंग हो रही है रेड पेन मिल गया ये अचीवमेंट है। हाँ और किसी टीचर ने खाली हो गया होगा उनको फेंक दिया मैंने स्कूल से उठा लिया और मैंने अपने पास बेड के नीचे छुपा के रखा हुआ। अब मैंने वो रेड पेन निकाला और उस साइन की प्रैक्टिस की टीचर के साइन की प्रैक्टिस और सारी कॉपीज इसकी चेक कर दी कंप्लीट होमवर्क कंप्लीट। उसके बाद ना वो जब क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी मैंने होमवर्क कंप्लीट भी लिख दिया। जब स्कूल में गए तो टीचर्स को पता है कि इसकी कॉपीज चेक नहीं है तो इसने भी सबमिट करवा दिया अपनी कॉपीज अगले काम के लिए। तो उन्होंने कहा ये आपकी पुराना काम किसने चेक किया और साइन उन्होंने पकड़ लिया मेरा। उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया उन्होंने कहा आइंदा उन्होंने ऐसी हरकत की ना हम दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। मैं कहा मैं तो हेल्प की थी गुड फेथ जमाना बड़ा खराब है हेल्प नहीं कर देता। अब किसकी याद है नेक्स्ट? एक दो महीना पढ़ती हूँ ना तो मतलब तब प्रेशर होता चाहा था कि अभी पढ़ लो और अभी लास्ट टाइम है ठीक है। अब ये क्या होता था कि मुझे एक प्रेशर होता था पेपर का जब इसके पेपर होते थे ना तो ये सो रही होती और मैं जाग रही होती थी कि मम्मी एक थोड़ा सा पढ़ ले यार सुबह पेपर थोड़ा सा पढ़ ले। कहती थी हाँ तुझे क्या मसला है? फिर अम्मा के पास चली थी इसको बोले मुझे हिलाए ना मेरा पेपर है ना मैंने फेल होना तो मैंने नहीं ये पढ़ना ठीक है। और क्या मेरी बुक लेके बैठी होती थी लिटरली ये सोफे के इधर साथ बैठी होती थी कि ये ऐसे आएगा ये कर लेगी ऐसे मुझे पढ़ा रही होती थी लिटरली और मैं ऐसे सो रही होती थी और कहती थी कि सुबह मैं कराऊंगी मुझे इतना आता और मुझे कहती थी कि मैं काउंट करके आऊंगी 60 मार्क्स का पेपर करके आऊंगी और 60 से ऊपर ये लिख के भी नहीं आती मैं थक जाती। ये लोग हमेशा मेरे जो मेरे से छोटा वाला भी है ना ये टाइम से पहले घर आया होता। मैं कहती हूँ कैसे टाइम से पहले आया? कहते हमसे नहीं लिखा जाता 60 काउंट ही आ जाएंगे और इनके आते भी थे। मैं एक मैक्सिमम तक काउंट करती थी कि चलो मेरे अकॉर्डिंगली ये 70 मार्क्स हो गए अगर टीचर बहुत भी खींच देगा ना तो 50 मार्क्स दे देगा तो मैं पास हो जाऊंगी तो मैं ज्यादा नहीं लिखती आता भी होता था। कहते हम नहीं चाहते यार कोई कोई डिजर्विंग बच्चा है जिससे ज्यादा आने हैं हम उसका हक मारे हम इतने मिनट कहते तू अपने ये मैंने कहा भाई हाईएस्ट मार्क्स कोई चीज होते हैं ये लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जैसे मैं और आप हैं उन्हें पता होता है तो उसके उन लोगों के लिए कितना लगता है ना कि यार ये लोग तो पढ़ते नहीं इनके अच्छा आता है हम तो पढ़ते रहते उसके बाद जाके कुछ अचीवमेंट होती है बड़ा नहीं मेरे बगैर मैं उन बच्चों में से जिसके बगैर पढ़े हो जाता दिखा भाई। हाँ रेमा पप्पी की क्या कहानी है तो क्यूट है हम मैंने ना हमेशा से बिल्लियाँ पाली हैं उसकी इजाजत थी ये पप्पी है ना। हाँ मैंने कहा बिल्लियों का किस्सा पपी की इजाजत नहीं थी लेकिन मुझे बहुत शौक था मतलब मुझे ना हर बार कोई दौरा पड़ता है कुछ महीनों बाद मैं कहती हूँ मम्मा मैंने कुत्ता लेना ये कौन सी बात है मम्मा कहती हैं बाद में आगे जाके लेना। तो मैंने अब एक दफ़ा ना मैं ले आई और मैंने इसको अपनी टीम में डाल दिया मैंने कहा किसी को तुमने बताना नहीं है और हम वो छोटा सा था बिल्कुल बिल्ली जैसी उसकी आवाज़ थी बिल्कुल छोटा सा पपी था और मैंने उसको शायद एक हफ्ते तक छुपाए रखा था अपने कमरे में। मम्मा सुबह जाती हैं शाम को काम से आती हैं तो मम्मा को पता नहीं चलता फिर किचन विचन में लग जाती तब तक वो सो जाता था और फिर एक हफ्ते बाद जब पता चला फिर क्या वो फिर आगे क्या पप्पी के साथ आगे की बाहर थे ये मुझे धोखा देकर फिर दोस्त के घर भाग गया चला गया था जिस दिन मम्मा ने डंडा उठाया बहुत डांटा। हाँ। लेकिन उसके बाद भी वो कुछ हफ्ते तक बेचारा रहा फिर मैंने उसका कहीं अरेंजमेंट किया कि अब हाँ, वो तो पपीज वगैरह हाँ, मेरी अम्मा भी साफ मना करती हैं कि भैया ये रहेंगे या मैं रहूं। अरे ये तो आप हाँ, मुझे भी घर छोड़ के चली गई थी मेरे घर में मेरे मियाँ मेरे बच्चे सब मिल गए आपस में और ऐसा कोई उन्होंने वो महाज बनाया ना कि ये कुत्ता जो है तो हमने खरीद लिया है 80,000 का खरीद लिया बेचारे इसके माँ बाप झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला कि ये मैंने गिफ्ट दे दिया 80,000 का खरीदा है तो अब मैंने कहा मेरे मियाँ के पैसे जाया होंगे मैंने कहा 80,000 का कुत्ता खरीद लिया है ये तो इतने बच्चे देते हैं इतना खरीद लिया अच्छा सा था। तो
अब खैर मैंने एक दिन बर्दाश्त किया, बच्चे बिस्तर पे लेटे हैं, वो भी उनके साथ बिस्तर पे, हाय हाय मुझे डर लगता है कुत्ते से, मैं कमरे में घुसूं वो एसी, ये एसी के बगैर रह नहीं सकता मुझे ऐसी ना जहाँ कमरे में जाओ गुजर के जा रहा है, ये टीवी के बगैर रह नहीं सकता मैंने कहा क्या है ये, एक दिन दो दिन तीन दिन मैंने अपना सामान पैक किया और मैं घर छोड़ के चली गई, ना मेरे अब्बू को ना मेरी बहनों को किसी को भी नहीं पता कि मैं हूँ किधर, और मैंने जाके मोबाइल बंद कर दिया, मेरे पूरे घर वाले ढूंढते फिर रहे, अम्मी नाराज होके किधर चली गई, मैंने सामान उठाया और मैरियट में जाके टिक गई एक रात फिर मेरा मैं आधी रात को मोबाइल खोलूं कि कुछ ढूंढ रहे हैं वो, अच्छा मम्मा हम वादा कर रहे हैं हम दे देंगे किसी और, मुझे डर लगता है एक्चुअली तो फिर दे दिया नहीं, फिर मैं घर आई ना जब उन्होंने कहा हम दे देंगे, जब हथियार डाल दिए तो मेरी ईगो थोड़ी सेटिस्फाई भी हुई और मुझे तर्स भी आया तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं एक महीने का दे रही हूँ तुम्हें और इसका यहाँ घर बनवाओ, ये इसको बाहर रखोगे तुम लोग और सफाई रखोगे, गंदगी नहीं होगी। अरे भाई सुबह मेकअप करने वाले लोग आते हैं मेरे, नाक बंद करके वो आ रहे हैं, अय अल्लाह मेरे बच्चों को संभालना नहीं आ रहा, मेरी जो सारी मेड्स हैं उनको बोला इसको कीमा खिला देना, इसको खाना खिला देना, अम्मा भी यही चिढ़ती हैं कि तुमने पपी रखना है और तुम्हें उसको देखना भी नहीं, मैंने कहा तुम लोगों को भी वही खिलाए और इसको भी वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो फिर मैंने एक महीने बाद, आपको मेड्स का तो बहुत ख्याल होता है, आपको भी बहुत होगा, नहीं नहीं हाँ इसलिए था ना कि सुबह उठ के 6 बजे अम्मा भी के दिन डॉगी को अलार्म लगा के खाना भी वही देने जा रही, मुझे वो होता है कि भाई क्यों भाई ऐसा क्यों, हमारी अम्मा भी सो ये मैं तो अटैचिंग बड़ी टेंशन चाहिए होती है कुत्ते को, बहुत ज्यादा टेंशन केयर, नहीं ना उसको प्रैक्टिस कराना पड़ता है कि बाहर ट्रेन करना पड़ता है, घुमा उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको बाहर लेकर जाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर काम के साथ तो फिर अब तो प्रॉपर अलग रिस्पांसिबिलिटी, यही छोटे बच्चे पसंद बहुत है, क्यूट बहुत लगता है मगर उसको तवज्जो चाहिए वो जरूर। हाँ भाई अब किसका, तुम्हारा किस्सा पूरा हो गया ना, ये क्या आईब्रोज का क्या किस्सा है कमल, ये मैंने जब हम छोटे थे तो मैंने ना मुझे आईब्रोज बनाने में मैंने किसी को देखा तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा, वो कैसे भागे को इसने किया, मैंने वो सीखा प्रॉपर प्रॉपर, तो खैर क्या सीखा, मैं इसको पकड़ा यही आ जाती थी, बड़ी वाली तो कभी हाथ नहीं आएगी, बहुत छोटे छोटे थे ये तो बहुत छोटी थी, मुझे मैं थोड़ी बड़ी थी ऐसे, मैं 7-8 क्लास में हूँ, मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसकी आईब्रो बना दी, अब इसको पकड़ना ना इसके यहाँ से यहाँ तक जख्म, अब मैं उस पर ना मेकअप करके छुपा रही हूँ कुछ करके ना अम्मी के उससे छुपा रही हूँ, और अम्मी टीवी देख रही है और दूसरे ड्राइंग रूम में ये काम हो रहा है, और फिर जब छुपी नहीं रही वो खून बहना शुरू हो गया, सब कुछ करना शुरू हो गया, फिर मैंने ना इसको अम्मी के पास लेके मैंने कहा अम्मी देखिए इससे शायद अपने आपको चोट लगा ली, अम्मी ने कहा ये चोट नहीं लगी है ये कुछ और लगा है इसके, फिर उसके बाद जो हमारा होता था कि छोटे बच्चे एक और काम करते हैं, जब लड़कियां ग्रो हो रही थी अपनी पलके काट लेती, मेरी बेटी ने एक दफा पलके काट लिए, बाल काट बड़ी हो जाएंगी, और कान छोटी छोटी खुद ही छेद लेते हैं कुछ कुछ बच्चे, तो कान ने खुद ही छेद करते हैं, पलके काट ली यहाँ से बाल, छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ी हरकतें करती है, अपने साथ में क्या मेरे साथ में क्या, किसी और की आईब्रो बनानी होती है ना उसी से बना सकते हैं, ओ माय गॉड दिखाओ भाई। हाँ भाई पेंसिल का क्या केस है मोमिन, मतलब मैं ना वैसे बहुत नेचर ही बहुत बॉसी है शुरू से, तो अब ये कभी मतलब ज्यादा बोलती नहीं थी और कभी कभी ना इरिटेट करती थी कि मैं इसको बोलती थी चुप कर, अभी भी यही कहती है कि तुम मुझे इरिटेट कर, मतलब मेरा हमेशा काम होता है इसको प्रोटेक्ट करना, मतलब मुझे ऐसे अभी सब बोलते हैं कि ये ना आधा मतलब आधा भी पूरा लड़का, ये मेरी बहन भी छोटी ऐसी, तो मैंने अम्मा को बोला आपने मुझे इसकी प्रोटेक्शन में लगा के ना पूरा लड़का बना दिया, अब मैं इसको बोलती थी कि उससे बात नहीं करनी ये नहीं करना, मैं भी बस ठीक है, ट्यूशन में होते थे हम, इसको ये भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं नहीं बात करती नहीं करती, लेकिन अगर मैं किसी और से बात करूँ ना आज भी इसको गुस्सा आ जाता है भाई क्यों, मतलब मुझे कोई नहीं अच्छा लगे इसके लिए, नहीं ठीक है भाई नहीं बात करनी, तो मैं इसको मना कर रही थी कि मत बोलो उससे बात नहीं करनी, चुप करके बैठो ठीक है नहीं, मैं अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये फिर बात करी, मैंने ऐसे करके पेंसिल उठा के इसको और इसके आज तक यहाँ पे सिक्का है उसका अंदर ही टूट गया, अभी भी अक्सर ही तुम्हारा शनाख्ती निशान जो हमने नहीं दिया, मैंने दिया, मतलब मैं अपने भाइयों को भी कभी हाथ में कैंची पकड़, इससे तो वो डरते हैं कि कुछ भी है ना, मैंने वो नहीं करना ठीक है, वो हालांकि एक तो सवा साल छोटा इतना कोई फ्रैंकनेस भी है, लेकिन मैं उसमें नहीं करना नहीं, उसको पता है कुछ भी मार देगी, मैंने उसको ऐसे ही उठा के कैंची मार दी, एक बार तो मेरे साथ बैठे तो इरिटेट कर रहा है, मैंने उसको बोला कि अभी नहीं बोलो चुप करके बैठो, तो नहीं फिर बोल रहा है बोल रहा है तंग कर रहा है, मैंने उसको ऐसे करके थप्पड़ मारा उसके कान से ऐसे खून निकला, बस अब मैंने कहा अब तो मेरे पे केस बन जाने की,
ये क्या हो गया, तभी आप लॉयर, अब समझ आता है कि लॉयर बनने की असल वजह क्या है, ताकि मैं पुलिस फैट कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी थी इसलिए ये लॉयर बना, वरना नहीं। दफा 302 के अंदर मैंने उसको बोला, उसको मार के भी जब उसको खून निकल, मैंने बोल ड्रामे नहीं कर रहे हैं, रोना नहीं, ठीक है। अम्मा ने फिर वो कवर कर दी ऊपर से, और वो भी मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहे चुप। और ये इवन रोड्स के ऊपर रास्ते में चलता, कोई काम की जगह, इवन मुझे कोई मसला हो जाएगी, ये सब पे केस करेगी, मतलब ये तैयार है कि चलो लेकर आओ केस करेंगे, मतलब हर किसी के बिजनेस का बिजनेस और रोब का रोब करो। रोब दैट पर्सनालिटी देखा भाई, ये क्या स्कूल बंक? हाँ भाई क्या कहें, कहानी है, कौन बंक करता था स्कूल? अच्छा ये ना मम्मा को पता नहीं है, लेकिन अब तो बोल पुरानी बात हो गई। एक दिन ना हम स्कूल में थे, हाँ तब ये बहुत छोटा था, मतलब तब इससे वैसी वाली दोस्ती नहीं थी, तब मेरी बहन पास आउट हो गई थी, हम तीनों एक ही स्कूल गए थे। अच्छा तो मैंने ना इसको अपने साथ मिलाया, क्योंकि हम लोग वापसी में छुट्टी में साथ ही एक ही वैन में घर आते थे, मैंने कहा इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते, मुझे वहाँ देर सवेर हो गई तो साथ ही लेके जाऊंगी, मम्मा बाहर तो नहीं आके देखने के वैन से आए कैसे। तो मैंने ना बंक करना था, दोस्तों के साथ जाना था घूमने फिरने, तो अब डर भी बहुत लग रहा था, पहली बार स्कूल में बच्चे भी थे, क्या करते। मैंने इसको अपने साथ मिलाया कि हम लोग ना चलते हैं ये वो, और हमने टैक्सी मंगाई और हम बैठने ही वाले थे, और हमारी वैन वाले ने हमें पकड़ लिया। और कच्चे खिलाड़ी के कच्चे खिलाड़ी। और मैंने कहा कि चलो, तो मैंने इसी पे सारी बात डाल दी, मैंने कहा नहीं ये पता नहीं क्यों आज टैक्सी में बैठ के जा रहा था, मुझे समझ नहीं, मैं इसको रोक रही थी कि नहीं वैन तो वहाँ पर है, मुझे बोला था कि तुम मेरे साथ चलोगे, तो मैंने कहा था, इसको तो मैंने कहा था, लेकिन वैन वाले से डर के हमने कहा था, और ये बात दबा दी मैंने, इसको डरा दिया। इस तरीके से घर पे बताया था कि बच्चे आपके भाग रहे थे स्कूल से, बाबा दुबई से आ गए थे नेक्स्ट डे, क्या क्या हो गया, इतने से बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं, बाबा क्या समझेंगे। और तुम दोनों अकेले टैक्सी में जा रहे हो, माय गॉड। भाई तो बच्चे थे ना, हमने कहा मिलेनियम मॉल था कि कौन सा मॉल, बेचारे अब्बा दुबई से आ गए कि फिर आपके बच्चे, वैन वाले ने आग लगाई, वैन वाले के घर पे आके बेल बजाई, ये तो आपके बच्चों को मैंने पकड़े हैं भाग रहे थे, इससे बुरा दुनिया में कुछ नहीं, स्कूल में इतनी बेइज्जती हुई, मुश्किल से वो क्लास समझे। वैसे एक ये मासूमियत होती है बच्चों की भी, मैं यही सोचती हूँ, जो यंग बच्चे होते हैं, इतनी सी चीज हो जाती है, और सीक्रेसी, बड़ा मसला हो गया है, बहुत मसला। मैंने बच्चों से पूछते अच्छा क्या हुआ, और मेरी हंसी निकल जाती है, इतना बड़ा मसला है, इतनी बात होती है, बड़ा मसला हो गया, बड़ा फंस गए, आपको पता नहीं, मैंने कहा अच्छा क्या हुआ, मेरी हंसी, मतलब मैं कहती हूँ यार हम लोग भी जब छोटे होते थे, लाइक छोटी सी बात को इतनी बड़ी लगती थी, लगता था कि क्या हो गया, मुझे भी अभी भी लगता है, मुझे तो अभी बात को मैं इतना बड़ा करूंगी, मुझे अंदर अंदर से लग रहा था, ऊपर फुल कॉन्फिडेंस, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं हो जाएगा, तो कुछ हो रहा है, मैं केस कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। ये किसका हाथ टूटा भाई, कमल? ये मैं और मेरा छोटा भाई जो है, बहुत छोटा है, इससे भी छोटा है, हम लोग बैठ पे उछक रहे थे, तो मम्मा ने मना किया नहीं उछको, तुम लोग को चोट लग जाएगी, फिर भी हम उछके जा रहे हैं, उछके जब वो उछक के बाउंस होके गिरा ना बैट पे, तो उसका हाथ था, और मैं जब बाउंस होके उसके हाथ पे गिरी, तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, और उसका फिर अब वो रो रहा है, क्योंकि उसका हाथ वो उठा रहा है, और तकलीफ हो रही है, तुम रो मत, मम्मा आ जाइए, हम गेट बंद करके सारी कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो रोया बहुत बुरी तरीके से, मैंने कहा उसका हाथ टूट गया, मैं कही ये, मैंने कहा ये बैग से गिर गया, इसका हाथ टूट गया, वो चुप रहा, उसने बताया नहीं कि ये मेरे हाथ पे गिरी है, मम्मा ने कहा तुम लोग को मना करी थी, मम्मा ने उसके फ्रैक्चर लगवाया बाबा ने, और मम्मा हमें शेल्टर होम के बाहर छोड़ के आ गई, और हम लोग वहाँ एक ईंट रखी है उसे बैठे हुए, अब तुम लोग यही रहोगे, अब तुम लोग घर में नहीं आओगे, शेल्टर होम पे छोड़ के चली गई, और हम बैठे हुए, और वो बैठा हुआ है, हम देव उससे पकड़ के बैठे हुए, और रो रहे कि हमारे तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शाम को पूरे 5-6-7 घंटे बाद मम्मा आई हैं, फिर वापस लेके गई हैं, फिर हम लोग घर आए, छुप के कहीं देख ही रही होंगी, देख रही होंगी, लेकिन हम लोग को बड़ा टॉर्चर उस वक्त हुआ था कि यार अब आइंदा हम मम्मा की बात कभी भी वो करेंगे, देखो तुम्हारा हाथ टूट गया, पनिशमेंट बड़ी अच्छी है, हाँ, हम लोग तो मुंह से ही कहते थे मैं छोड़ाऊंगी तुम्हें, बलाना हॉस्पिटल छोड़, एक हॉन्टेड पनिशमेंट है, शेल्टर होम ना, एक हॉन्टेड थी, शेल्टर होम करते थे, हम डर जाते थे, नहीं यार ये तो बहुत अजीब सी चीज होती है, और हम क्यों वहां जाए, और फिल्मों में भी कहानियों में भी तो ऐसे ही होता है ना कि हाँ वो अच्छा अंदर नहीं लेके गई थी, बस उसके जो दरवाजा होता है उसके बाहर जो ईंटे वीटे रखी थी, हाँ बैठ जाओ अब यही तुम लोग का है, घर से बाहर हो गए तो यही मिलेगा रोड, छोड़ के चली भी गई थी, चली फिर वापस आई 15-20 मिनट, दूर से की देख लूंगी, आप सही कह रही हो, वॉच आउट तो कर ही रही, बट हम लोग को ये फियर था कि अब हम लोग अकेले। अच्छा वैसे मैं यही वाली बात है, मतलब इसको मैं ऐसे सीरियस लेती हूँ कि वो जो ये कूद रहे थे बिस्तर पे, मेरे भी कजन्स थे दो, एक छोटी गोद की वो थी बच्ची, बिल्कुल जैसे नहीं बिस्तर पे लिटाया होता है, और दूसरा थोड़ा सा 2 साल बड़ी होगी, वो 2 साल की बच्ची नहीं कूद रही होती,
वो बच्ची उस छोटी बच्ची के ऊपर गिर गई और उसकी पसलियां फ्रैक्चर हो गई। हाँ ये होता है, ऐसा बहुत होता है। अगर दो बहन भाई भी होते हैं, एक बच्चा कूद रहा है कूद रहा है, और कभी कभार अम्मा अब्बा कहते हैं चिल है, कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी करो, गिरो मरो, वो दूसरी यानी छोटी जो गोद की बच्ची थी ना उसकी पसलियां फ्रैक्चर हो गई। हाँ, क्योंकि आप बाउल से गिरते हो, बिकॉज ऑल ऑफ योर प्रेशर आप गिर रहे होते हैं दूसरे वाले। एक्जेक्टली, तो वो उसका वजन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जिस प्रेशर से वो छोटी बच्ची के ऊपर गिरी, ये नुकसान हो सकते हैं। तो मतलब मुझे लगता है पेरेंट्स को थोड़ी सी वो ले दो, आजकल तो ट्रैम्पोलिन है ना, उसी में कूदते रहे बच्चे, आइंदा ये रिपीट नहीं होगा ना कभी भी। मम्मा बहुत कूदने से ही डर लगता है, उससे अब बिस्तर पे उछकना नहीं है, कुछ भी करना नहीं, कुछ उछकना नहीं है। ओके भाई, ये क्या है भाई मोमिना? एग्जैक्टली ब्लू कलर का था। हाँ, क्या हुआ मेरे साथ? तो ना ये एक शदीद हादसा ही होता था कि मम्मा का जो फेवरेट वॉज होता था ना, इस टाइप का ही होता, उन्होंने इतने प्यार से रखा होता था, वो हमेशा सिर्फ मुझसे टूटता था। और मेरा उनके साथ अपने घर की काजल थी, अच्छा हो जाए गमला ऊपर रख दे, मेरे से ही टूटता है, मतलब ये तो मैं। और फिर मैं जब उनको देखती थी ना कि वैसे अपसेट होके, मतलब वो मारा तो उन्होंने, कभी कभी उन्होंने मनी प्लांट भी लगाया होता था ना, तो उन्होंने बड़ा किया होता है, ये वो भी तोड़ देते, मतलब मेरे से ही टूटते थे और किसी से भी नहीं। और फिर मैं उनको ऐसे देखती थी कि अब कहती थी अम्मा और ला दूंगी, और ला दूंगी, और ले आएंगे ऐसे। और ऐसा क्यों गया, इसी से क्यों टूटता था पता नहीं। और ये वाला तो अम्मा ने क्या किया, इसका ऊपर से बिल्कुल गर्दन टूट गया हुआ, अभी उन्होंने उसके बगैर ही उसमें फूल लगा के रखे हैं, उन्होंने वो भी आधी सांस, आधी सांस तक, अब वो भी थक गई, उन्होंने कहा फिर लाऊंगी, फिर तोड़ेगी, अटैचमेंट हो जाती है फिर। ऑब्वियसली घर में जो रहती हैं औरतें, उनको अपनी हर चीज से मोहब्बत होती है, चाहे वो कुशन ही क्यों ना हो, हर चीज बना के रख लें। तो वो मामा को वॉच के साथ वैसी बड़ी एक अटैचमेंट, मामा को हमारे घर में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो मनी प्लांट वाली जो बात की, वो मेहनत से बड़ा होता है। और वो ना बहुत इस तरह डेकोरेशन की चीजें लेके आती है, हमारे घर बड़ा एस्थेटिक टाइप लगता है कि पता नहीं कितने आर्टिस्ट लोग, तो वो अम्मा बड़ा ध्यान रखती है, उन्हें हमसे ज्यादा वो अजीज होता है कि भाई मेरे से टूट जाता है। एक दफा मैं छोटी थी तो वो मामा ने ना उठा कैसे करके, वो उनको बहुत पसंद था, वो कहीं बाहर से कोई लेकर आया था, पोपो या कोई, तो वो उन्होंने उठाकर ना ऊपर रखा हुआ था फ्रिज के ऊपर, वो बहुत यूनिक लगता था। मैंने उसको पकड़ के ऐसे खोला और मैंने कहा ये क्या, और वो तब से संभाल रही थी, यहाँ से उठा दूंगी, यहाँ से उठा दूंगी, गिरा देंगे, क्योंकि हम तीन एक एज के, मतलब इतना डिफरेंस भी नहीं था इन दोनों में, तो बिल्कुल भी नहीं, तो हम भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब मम्मा बस कह रही थी ये ना टूट जाए, अभी तो आया ये ना। और वो मैंने ऐसे फ्रिज खोला और वो साइड से गिरा, शुक्र है सर पे नहीं, लेकिन देखती रही कि ये अब इसके बाद तो आज मेरी, ये मासूम थी ना, इसकी शक्ल ऐसी तो ये बच जाती थी, हमसे कुछ होता था तो हमारी तड़ा मतलब हमारी तो बख्शीश नहीं हुई कभी। अच्छा अच्छा, ब्रेक पे जाना है, अच्छा चलो ब्रेक के बाद आके फिर पूछेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपस में बात कर रहे थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी लड़कियों के लिए क्या है, हम सब ये बात कर रहे थे कि ये कहते थे हम छोटे होते थे तो हम ऐसे ही निकल जाते थे, अब ऐसा अब है थोड़ा खतरनाक। और मैं लड़कियों को यही बोलूँगी कि कुछ अंदर पर्स के अंदर ना कुछ स्प्रे वगैरह होता है, बहुत कुछ रखा होता है ना, पेपर स्प्रे पड़ा हुआ है, कुछ और पेपर स्प्रे और नेल स्टोन्स, मैंने सब रखा होता है। और कॉलेज के स्टोन्स किसके होते हैं? हाँ घर था उनके ना, बाहर उन्होंने डेकोरेशन किया, जो पूरे गोल गोल पत्थर होते हैं ना, वो थे। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि ये मैंने रखने अपने पास सेल्फ डिफेंस के लिए, वो कहते हैं मतलब हया कर हम जाएंगे और उनका चोरी करके लेके आए। मैंने बोला प्लीज मुझे ले जाओ, मुझे वो लेना है। और हम वहाँ गए चुपके से, उनके चार उठा के मैंने बैग में डाले और वो पड़े, वो इतने गोल है, बैग तो बहुत भारी होता है। हाँ मुझे पहले सब पूछते हैं कि भाई क्या रखा हुआ इसमें, मैंने कहा रोब के लिए रख लेंगे, नहीं अगली बात करो, ये नहीं करनी तुमने, नहीं करनी। मुझे लगता है कंपल्सरी ना लड़कियों के लिए स्कूल में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ, मतलब तो क्लासेस कोई जरूरी है बहुत आजकल के जमाने में।
तो जरूरी है और लड़कियों को खुद भी होना चाहिए भाई थोड़ा सा मर्द मार टाइप ना कि किसी की हिम्मत ही ना हो। मैं तो बहुत लड़कों को मार के आती थी मतलब छोटे होते से ना मेरी कंप्लेंट आती थी मतलब नॉर्मली लड़कों की आती है कि आपके बेटे ने मारा तो कभी बाबा के साथ कुछ लेने जाती थी ना तो एक अंकल थे उनका एक एक बेटा था तो वो बड़ा ही उसको ना पैम्पर्ड रखते थे तो अब वो मिलते थे बाबा को तो बोलते थे अच्छे दोस्त हैं उनके कहते बड़ी शरारती है बड़ा मारती है सुभान को बाबा ने बोला कि बोला नहीं 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 मैं समझाऊंगा देखा अंकल क्या कह रहे हैं कितनी बुरी बात है और वो शुरू तब से लेके अब तक मुझे कसमें देते हैं कि वो मुझे आपा बोल देंगे ये आपा कसम खा के तू किसी किसी मुंडे नू नहीं मारेगी मैंने कहा ये तो आप ना करें मुझे जो छेड़ेगा उनकी बेटी जो थोड़ी सी वो टॉम बॉयज टाइप थी ना उसको उसको आदत थी मोटी मोटी अंगूठियां नहीं होती पत्थरों की वो पहनने की एक दिन उनके घर में डकैत आया उसने उस मुक्के से वो मुक्का बनाया थी भी वो मोटी उसने मुक्का बनाया अंगूठियों वाला और जो उस डकैत को मारा ना उसने जो कार्टून में आते हैं और स्टार्स आते हैं वो बेहोश हो गई यहाँ पर ना कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि लड़कियां पलट के जवाब भी देंगी मारना तो दूर की बात है और अगर मार देना तो उनके भी छक्के छूट जाते हैं मैं जब छोटी थी तो मैंने दो लड़कों को मारा था वो भी इसके लिए उन्होंने इसको फुटबॉल मारी थी इसने किसी को नहीं मारा मेरे लिए बाकी इतनी लड़ाइयां मेरे इवन जो भाई है वो तो नॉर्मली से वो मुझे कंप्लेंट फिलाने ऐसे कर दिया ये मैंने देख लूंगी मैं कल जाऊंगी मैं जैसा मतलब मैं अम्मा को बोलती मैंने कहा अम्मा हम तीन बहनें और मैं एक भाई हूँ तुम लोगों का हुआ है कभी किसी ने छेड़ा और तुम लोगों ने खुद उनको खूब सुनाई हो चप्पल उतार के मारा सुनाई तो है सुनाई बट मारा नहीं इस तरह से और मेरी जो बड़ी वाली बहन थी ना हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो एक लड़की से मेरी फ्रेंडशिप थोड़ी खराब हो गई थी छोटे छोटे थे वो उस लड़की ने रोक लिया अपनी बहन के साथ ना हम लोगों को तो मेरी बहन ने बताया क्या किया वो छोड़ के भाग गई मुझे और मैं लड़ी हूँ उससे हाँ क्या वो लंबी बड़ी होती है और मैं कहा क्या है मुझे नहीं करनी दोस्ती इससे नहीं करनी ऐसे करके मैं उससे लड़ी हूँ और वो पहुंची हुई घर पीछे खाली बैकअप पे कोई नहीं बैकअप पे मुझे लगा वो होगी मेरी भी बहन जैसे बिल्कुल तुम्हारा रिलेशन है इसका किसी भी लड़के ने कोई भी उल्टी पुल्टी बात की तो मेरी बहन आ जाती थी अस्तीने चढ़ा के हाँ भाई क्या कह रहे हो मेरी बहन को तो वो ये तो ये कभी कभी मेरे बाबा मुझे लेना आते थे ना कॉलेज से तो ना वहाँ एकदम हड़बड़ी सी हुई होती थी तो बाबा मुझे देखते कहते थे कि कुछ हुआ मैंने कहा बाबा एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैं बस स्टॉप पर खड़ी तो लड़के इतने अजीब इशारे कर रहे थे ना मैंने एक दफ़ा इग्नोर किया दो दफ़ा तो ना मैंने एक को बैग मारा बुक मारी मैंने दोनों को मारा बाबा आए ना तो कुछ हुआ हुआ था वो कहते क्या हुआ मैं पीछे बैठी हूँ बाइक पर मैंने बोला फटाफट इनके पीछे लगाओ पीछे लगाओ और बाबा बाबा कहते हुआ मैंने कहा नहीं मैंने कहा मैं आपको सही बता रही मैं आज गलत नहीं लड़ी उन्होंने मुझे बड़े फजूल इशारे किए बाबा ने बोला अभी देख लेंगे और मतलब मैं उनको पीछे से करूं बाबा पीछे लगाए पीछे लगाया हुआ कभी तुम्हें हुआ है कि मेरी बहन को ऐसे किसी ने कहा अब मैं और भाइयों को होता है मैं खुद ही पूरी हो जाती हूँ मेरे भाई भी बारिश में निकल रही मेरे भाई भी कहते हैं ना कि अम्मा को भी बोलेंगे बाबा बोलेंगे कि ध्यान से जाया करो लेट ना जाओ कहते बाबा फिक्र ना करें जो लेके जाएगा ना हाथ जोड़ के वापस करके जाएगा कि भाई आपका हौसला है लेकिन पता है पहले के जमाने में ये कर भी लेते थे अब तो नहीं सोच सकते कि किसी से पता ही नहीं अगले के पास क्या करना है प्रॉब्लम होती है मैं भी किसी से बोलते हुए डर जाती हूँ कि आजकल के जमाने में नहीं पता कि वो आपके पीछे किसी को लगा दे या घर देख ले या कुछ कर ले अब तो जमाना खराब है पूरा करके घर चाहिए ये एक्चुअली सबकी नेचर अलग होती है और वो वही वाली बात होती है कि एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं लेकिन पर्सनालिटी सबकी इतनी अलग अलग होती है चाहे शक्लें कितनी भी मिलती हो लेकिन सबकी अपनी पर्सनालिटीज होती हैं अच्छा अब हाँ तुम्हारा वो रह गया था याद डांस प्रैक्टिस ये इसके साथ का नहीं है ये मेरी बड़ी बहन के साथ का है वो देख रही होगी हम लोग ना जब छोटे थे तो हमने ना इंस्पायर होकर ना नच बलिए रखा था और हम मुझे ना मेरी बहन को बड़ा शौक डांस करने का बात बात पे हमें नचवा ले इतना शौक उसके बाद तो अभी तक कर रही हूँ ना उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे अब प्रैक्टिस कर रहे पता नहीं रातों को जाग जाके फालतू में कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिलना तो पता नहीं जब नच बलिए आता था तो वो लोग काफी स्टंट जो काफी वियर्ड चीजें भी करते थे यहाँ पे खड़े होके तो पता नहीं क्या क्या तो उसने कहा हम ये ट्राई करते हैं आता जाता कुछ किसी ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग कुछ नहीं भी छोटे छोटे उसे पता नहीं क्या कैसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे घुराया मैं धड़ जमीन पे और मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया अब मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया वो डांस किया हुआ था बॉडी गर्म थी तब समझ लिया तकलीफ बहुत है मैं रोई और वो इसी की तरह चुप हो जाओ रोना नहीं कुछ भी नहीं हुआ कहना कुछ भी नहीं तुम गिर गई थी और खुद ही ले जाके बोला ये गिर गई है और मैंने कहा हाँ मैं गिर गई हूँ डांस कर रहे थे और पता नहीं उसने उठा के फेंका है तो ये हुआ था ओह माय गॉड हाँ भाई कमल ये जलेबी दूध का क्या सीन है
अम्मी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हाँ. मैं दूध चढ़ा के जा रही हूँ, जरा सा मैं बाहर जा रही हूँ मार्केट, तुम इसका टाइमली चूल्हा बंद कर देना. हाँ. और जैसे स्टे देयर ना, वहीं खड़ी रहो, वो उबलने वाला है. अब वहाँ खड़ी रहे, मैं वो उबल ही नहीं रहा. हाँ. मैंने कहा यार ये तो नहीं उबल रहा, मैं बैठ जाती हूँ, जब उबलेगा मैं बंद कर दूंगी. वो उबल के गिर के पूरे किचन में फैल चुका. और मैं उसको आके देख रही हूँ, मैं आई किचन में तो वो दूध पतीली के अंदर नहीं था, बाकी हर जगह था. हाँ, दूध का ये बहुत मसला है, आधा घंटा खड़े रहो नहीं बाहर जाएगा. कैसे करोगे बाहर आ जाएगा. ये उसकी दूध की गलती थी, मेरी गलती नहीं. ये बंदे आपके साथ क्या हुआ, हैंगर, चप्पल, सब मेरे सहन में ऐसे घूम रहे थे, हैंगर, चप्पल, पाइप. मैंने कहा मैं कुछ कुछ करती हूँ. मैंने वो पूरा किचन साफ किया, और कितनी मुश्किल से. मैंने कहा ये मैं ही जानती हूँ, मुझसे काम नहीं होता है, लेकिन मैंने वो साफ किया. फिर मैं गई, मैं बहुत छोटी थी, मैं 7th class में होंगी. हाँ. और मैं खुद गई जाके मैं दूध लेके आई, मैंने वो दूध पकाया और फिर उसको रख दिया, फिर वहीं खड़ी रही और रख दिया. अम्मी आई हैं, अम्मी को शाम तक पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा वाकया भी सानहा भी गुजरा है. हाँ. और जब फिर मैंने खुद ही कन्फेस कर लिया. नहीं नहीं, उनको पता ऐसे चला था कि कुछ ज्यादा ही सफाई हो गई थी. अम्मी ने इतना तो फर्क किया नहीं था, चूड़ा चमक रहा है, उसमें से चमक निकल ली है, तो समझ गए कोई ना कुछ तो हुआ है. दहशत चेक करे, मैंने कहा यार सफाई कर दो जल्दी जल्दी, और जाके दूध लाके पका के रख दिया. कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन ये हो गया कि ज्यादा सफाई ज्यादा हो गई, थोड़ा सा गंदा कर देती, गंदा कर देती ना, तो अब भी समझ जाती. वैसे कितनी रोटी का क्या होती है ना, अब दूध अगर गिर भी जाए तो मतलब गिर गया आप क्या, दूध भी तो है उसको हम पिटे हैं बकायदा. मतलब खाली पिटी था भाई. अब मैं सोचती हूँ कि मतलब दूध ही तो गिर गया, क्या हो या ग्लास गिर गया, इसमें हम पिटे हैं क्यों, मतलब मेंटल ट्रॉमा हो जाता है दूध में पिट पिट. गोल रोटी का क्या सीन है भाई, गोल रोटी का नहीं, इसने बहुत रोटी. हाँ, रोटियों के तो हमारे बहुत किस्से हैं. पहले तो ये कि ये बड़ी थी अम्मे से, तो जब मोहित हुआ तो हम बड़े थे, मतलब स्कूल में थे. हाँ. तो अम्मा हॉस्पिटल थी, तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है. तो ये ना प्रैक्टिस करती थी कि मैं आटा गूंथती हूँ, रोटी बनाऊंगी, ये वो. तो कोई होता नहीं था, हम तीनों बहन भाई थे, बाबा अम्मा के ध्यान के लिए चले जाते थे. तो पहले आटे को पता नहीं क्या क्या करती थी, कभी इतना लंबा हो जाता था, कभी फिर ऐसे करके मुझे शॉपर बना के देती थी कि चुप करके दूर जाके इसको रखा. फिर मैं ये भी करती थी. फिर इसने बेचारी ने इतनी प्रैक्टिस कर करके रोटी बनानी सीख ली, और इसको बड़ी अच्छी आ गई. फिर मेरे से जो छोटा उसको भी आ गई. अब मुझे आज तक नहीं आई. तो मैं क्या इतनी कोशिश करती, लेकिन मेरे बाबा क्योंकि मेरी टीम में, तो वो तो जब उनके पास रोटी आती है अलग ही कसम देखने को दिल नहीं करता. और वो कहेंगे माशाल्लाह, चुन चुन के रोटी खाएंगे. मैंने बोला कि बाबा ये तो ज्यादा, एक दिन क्या हुआ. फिर मैंने कहा चलो मुझे तरस आया, मैं कि भूख लगी आपको, तो जाग रहे थे छत पे बैठे थे, मौसम अच्छा हुआ. तो मैंने कहा दाल पड़ी हुई, मैं आपको दाल वाली रोटी बना के देती हूँ, अम्मा बना के देती हैं. कहती ठीक है. मैम नीचे गई हूँ, मैंने दो रोटियां बनाई हैं, उन्हें दी, उन्होंने खा ली. और ना रात को उनकी तबीयत बड़ी अपसेट हो रही है, तो ना बाबा कहते हैं कि अम्मा ने कहा हमने क्यों खाई ये, वो क्या मसला है. तो ना अम्मा कहती दाल तो खराब थी. कहते मैंने कहा मेरी बेटी ने मुझे बना के दिए, मैं कैसे फेंक देता. और मैंने कहा हमने खराब दाल की रोटी खा ली. कहते हाँ, और मतलब बनाते में नहीं पता चला, नहीं पता ही नहीं था किचन का, मतलब खराब हुई होती कैसी होती. मैंने अपनी तरफ से अच्छी सी बना के दी, वो भी खाने वाली नहीं थी, देखने की भी खाने वाली नहीं थी, और वो तो वैसे ही खाने वाली थी, उन्होंने खा ली. अब बाबा खा लेते हैं, बाकी ये बात तो बहुत अच्छी है, बहुत बेटियों की बनाई भी खा लेते हैं. अगर अम्मा ने बनाई फिर उस पे होगा बाबा तेज है फलन. तुम्हारे पापा की बात नहीं कर रही, मेरे पापा एक्सेप्शनल के हैं. मेरे पापा हर दफा जब अम्मा खाना बनाती ना, कहेंगे मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये कॉम्प्लीमेंट है या ये नुक्स है. कहेंगे आपने ये जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा बनाया. नहीं मतलब हर बार, हर जगह डिश पे. और कभी कभी तो अम्मा खाना लेके आती, मैं बोलूंगी कि जिंदगी में आपने पहली दफा इतना अच्छा बनाया, तो अम्मा कहती मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये पिछले वाले की बुराई है क्या, की तारीफ है, समझ नहीं आती कुछ. लेकिन मैं चलो अभी कह रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर लो. हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है. फेल एग्जाम्स. चलो इसका अब तो खैर कॉलेज खत्म हो गया, तो मैं बता सकती हूँ. मम्मा को फिर एक ये ब्रेकिंग शॉक मिलेगी. बहन भाई में ये बड़े राज होते हैं, दबे दबे रहते हैं बिल्कुल. अब तो खैर माशाल्लाह इसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है. तो अभी ये कॉलेज जाता था ना कॉमिक्स, तो इसकी सारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं गई हूँ हमेशा. तो मम्मा लोग को नहीं लेके जाता था, बोलता कैंसिल हो गई, आगे हो गई, ये हो गई, वो हो गई. अच्छा, अब हम लोग की बहुत दोस्ती है, मतलब मैं तो पढ़ाई पे भी कुछ नहीं कहती. देर से आए मैं तो भी नहीं कुछ कहती. बड़ी बहन तो फिर डांट देती है कि पढ़ क्यों नहीं रहे, दिखाओ क्या किया. मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ कर देगा मेरा क्या. तो करते रहो मेरा. हाँ, मुझे लगता है हर कोई अपने टाइम पे सीख जाता है. मैं भी नहीं पढ़ती थी, फिर पढ़ लिया. तो मैं इतनी सख्तियाँ नहीं करती. अब मैं इसके ना एक दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई, तो पिछला रिजल्ट भी इसका कोई खास नहीं था. तो इस बार गई तो इसके ना टीचर बैठे हुए थे, जो क्लास टीचर होते हैं मेन टीचर. हाँ. तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप इनकी बड़ी बहन है. मैं सीरियस, मैंने कहा जी जी मैं बड़ी बहन हूँ, क्या हुआ है.
ये देखे माशाल्लाह से कितने अच्छे ग्रेड लाया, तो मैं खुश। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह से कितने ग्रेड, इस्लामियात में फेल हुआ था ये, इस्लामियात में, और एफ लिखा हुआ, बस कर दो, और एफ लिखा हुआ, और मेरी ना हंसी छूट गई, और मैंने कहा तुम्हारा एफ आई, और हम दोनों इसको भी समझ आ गया, हम दोनों हंसने शुरू हो गए, और टीचर को तो बहुत ही गुस्सा आ गया कि ये इन्होंने हर साल मजाक लगाया है, हर सेमेस्टर में आ जाती है। नेक्स्ट डे नोटिस आ गया था कि आप क्लास में नहीं बैठ सकते जब तक मामा वापस नहीं आ सकते। और अब मुझे वो बड़ा नहीं कंसीडर करते, हम लोग बाहर जाके हंस रहे थे फेल हो गया, और मामा बाबा को नहीं बताया, पता लेके गए थे, फिर बाबा गए थे। हाँ फिर बाबा गए क्लास में, मना कर दिया था, फिर तो जाना पड़ता है। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, अब मेरी हंसी नहीं, तुम्हारी हंसी इस्लामियात में। मैंने कभी बुक नहीं खोली थी, फिर पास हो जाती थी। हमारे में भी ऐसे होता है कि जो सबसे छोटा भी है ना, तो वो इस तरह इसको बोलेगा कि ना मतलब अपनी चीज़ें शेयर, बहुत डरता है मेरे से ना कि मतलब ये मना कर देगी। अब मेरे से हम लोग ना ये आई भी थी पिछले दिनों, तो उसकी बर्थडे आने वाली थी, मम्मी ने बोला कि क्या गिफ्ट लेगा ना ये वो। अब मैंने एयरपोर्ट एक कान में लगाया था, तो उसको वो एक नज़र आ रहा था, और मैंने वो कुछ सुननी थी, इन्हीं की बातें सुन रही थी, वापस मजाक कर रहे थे। अब उसको हल्की आवाज़ में कह रहे कि इन्हें मुझे बाइक गिफ्ट कर दे, बाबा को बोले ना तुम लोग मुझे बाइक गिफ्ट कर दो यार, इसको ना बताएं ये नहीं आने देगी। हाँ तो ना मैं ऐसे करके देख रही हूँ ये वो, तो कहता है तूने चुप करके बस आ जाए, तो इसको कहीं कि हमने दे दी, कर ली। ये हमने दे दी। हाँ। और ये कभी कभी चलाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। अच्छा तो ना एकदम मेरी तरफ नजर पड़ी, तो ना मैं ऐसे हंस रही, तो मेरा दूसरा कान देखा तो एयरपोर्ट नहीं लगा, कहता मैं तो मजाक कर रहा था। उसने पूरी प्लानिंग करके तुम्हारे घर में बहन भाइयों में इसका रोल है, तुम्हारे घर में बड़ी बहन का रोल है, और तुम्हारे घर में अम्मी का है सिर्फ, बस अम्मी और किसी की मजा। अच्छा मेरे पास कितना टाइम है, मैं वो वाली आए। अच्छा 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 ओके ओके ओके, नहीं कर सकते। अच्छा ज्यादा खर्चा पहनने ओढ़ने पे सजने संवरने में तुम दोनों में से कौन करवाता था अम्मी अब्बू का? मैं हाँ तुम और तुम लोग अब तक ये। हाँ मैं तो बिल्कुल, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूं, हम लोग की चीजें काम आ जाती है। लेकिन ये ना इतनी ब्रांड कॉन्शियस है ना, मतलब मुझे इस तरह पता है कि आप इसको कोई चीज दोगे ना और वो बहुत अच्छी, आप कहोगे 2000 की आएगी, लेकिन नहीं इतनी ठीक नहीं लग रही, और कोई फजूल सी चीज आकर आप इसको बोलो कि भाई 20,000 क्या, क्योंकि देखो कितनी अच्छी है ये। मतलब मैं तो अभी इसको, हाँ ये मतलब मैं बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस हूं, मुझे आदत है कि मेरे अंदर एक हीरोइन है। हाँ शुरू से ऐसी चीजें, मतलब इसको सस्ती चीजें पसंद नहीं है, ब्रांड्स चाहिए रहना है, और मतलब लड़कियों की तरह और चुप हुई, और ये मैं इसको इसीलिए अपने दोनों भाइयों से बहुत दूर रखती थी कि ये उनको भी खराब करेगी, वो भी ब्रांड कॉन्शियस हो जाएंगे इस तरह। तो छोटा वाला ना वो तो इतना नॉन सीरियस आदमी है, वो इस तरह बोलेगा शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे, पहले जो उसकी कोशिश होती है कि ये बिल्कुल ना जाए, मैं शॉपिंग पे जाऊंगा तो इसके साथ, चाहे कि 3 महीने बाद आ रही है, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा, अम्मा बाबा के साथ भी नहीं जाता, मैं लेके जाती हूँ। तो अब 20,000 की शॉर्ट्स लेगा तो कहेगा ये ले लिया घर में ही पहननी है, मतलब मैंने कहा क्या बात है, मैं लेके जाऊंगी, मैं कहूंगी 20,000 का टोटल बजट अपनी शॉपिंग कर लो, कहती है कौन सा बजट पे ला के देती है सब कुछ। मैंने कहा अम्मा हमारे साथ ऐसे हुआ है, मतलब पैसे की कदर होती है ना, आप इसको भी बताएं, उसको पता ही नहीं है कि मतलब पैसे कैसे आते हैं, नहीं होते या क्या। अब मैंने उसके साथ डन किया हुआ कि तुम्हारी पॉकेट मनी लगा दी है पर वीक, ठीक है, और मैंने वो ना मुझे बोलेगा मेरा बैलेंस खत्म हो गया, मैंने कहा पॉकेट मनी में बैलेंस इंक्लूडेड है, बिल्कुल नहीं आएगा। कंफर्म बताएं बेटे तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारे पीछे कोई रोएगा नहीं, ये वो तुम्हारे भाई कहेंगे यस। पति क्या अभी मैं कराची आई हूँ, मुझे मतलब ऐसे होता है कि बड़े होके ना बहन भाई एक्सप्रेसिव नहीं होते, हमारी ये क्वालिटी कि हम इतने एक्सप्रेसिव, आप यकीन करो वो मुझे अक्सर मैसेज कर रहे होते हैं कि आई लव यू का मैसेज कर देंगे, आ जा आप बस कर दे, खुश होंगे वो 20,000 की शॉट ले रहे होंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और फिर मस्तियां इसी तरह जारी रहेंगी। आपको भी याद आ रहे हैं ना जिनकी शादी हुई हुई बहने, वो बचपन में पहुंच गई है अपने, मुझे पता है, आज ही मिलेंगी जाके अपने गले लगाएंगी बहन भाइयों को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी मैं ब्रेक में यही बातें कर रही थी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप जब होटलिंग करने का सोचते हैं, पहले तो ये होता था कि महीने में एक दफ़ा चलो या हफ्ते में एक दफ़ा निकल गए आपके बजट के हिसाब से, लेकिन जब आप अब सोचते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाकी चीज़ों की कैसी पूरा करेंगे अगर हम बाहर खाना चले गए। लेकिन दिल तो है ना, और हर चीज़ का तोड़ भी होता है। अब जैसे क्रिस्पी फ्राई, आप जिंगर या कोई और इस तरह की चीज़ें, क्रिस्पी चिकन, ये बाहर से मंगाने के बजाय घर में अगर आप पहले बनाते थे तो बच्चे कहते थे नहीं भाई ये तो वो वाली बात नहीं आ रही, वो वाली बात नहीं आ रही, और उस वो वाली बात के चक्कर में आपके इतने सारे पैसे खर्च हो जाते। ये अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिस्पी फ्राई के बारे में, कि ये कोई आम कोटिंग नहीं है, ये रेस्टोरेंट जैसा जायका आपको घर पर मिल सकता है, बेहतरीन फ्लेवर, खुशबू,
मतलब इसके अंदर कुछ और शामिल करने की जरूरत ही नहीं है। आपको करना क्या होगा, पैकेट को ले, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक गीला यानी कि एक पानी मिलाएं बैटर में और एक खुश्क रखें। फिर आप कुछ भी ले लें, चिकन, वेजिटेबल, पोटैटो फ्राइज, चीज़ फ्राइज, ब्रेड रोल, पेरी बाइट्स, कोई भी चीज़ लेकर आपने पहले आपने जाना है और उसमें गीले वाला जो बैटर है उसमें डिप करना है, देन खुश्क जो है उसमें डिप करके और फिर प्रॉपर कोटिंग करके अच्छे से फ्राई करना है। कोई ब्रेड क्रम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है और अपनी फैमिली के साथ शर्मिंदा हुए बगैर के है क्या बना दिया अच्छे से खाना। तो ये है क्रिस्पी फ्राई की कहानी, इन्जॉय करें और बहुत ही कम कीमत में दस्तियाब है। हाँ जी, तो हम कहानियाँ सुन रहे हैं, तीन जोड़ियाँ हैं यहाँ जो बहन भाइयों की उनकी और बड़े मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। अच्छा, क्योंकि मैं खाने की बात करी थी तो तुम लोग जब छोटे थे सो कौन सी चीज़ फेवरेट थी, किसकी क्या चीज़ फेवरेट थी खाने में? जिंगर, मेरा जिंगर बर्गर। और तो मुझे तो देसी खाना बहुत पसंद है और मेरी अम्मी के हाथ में माशाल्लाह से बहुत जायका है, तो अम्मी जो बनाती हैं चाहे वो सब्जी हो या कोई सालन हो या पाए हो या निहारी हो, जो मुझे पसंद है वो मैं खाती हूँ और मुझे अपनी अम्मी के हाथ का ही पसंद है। और तुम लोगों की क्या? और तुम? मैं अम्मा के हाथ का खाना। अम्मा के हाँ। तो अब क्योंकि इतना डिस्टेंस होता है मैं कहती हूँ बस अम्मा के हाथ का खाना होना चाहिए। लेकिन छोटे होते तो ऐसे फ्राइज से ही होते हैं, जब पार्टी भी करनी है तो फ्राइज, बस बहुत फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। और तुम लोग? मुझे आलू का पराठा मम्मा का बड़ा पसंद है। मुझे पकौड़े बहुत पसंद है। पकौड़े आज बनेंगे, बनेंगे मेरा। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स, अक्सर तुम लोगों ने एग्जाम्स में दिए होंगे, ये कोई एग्जाम नहीं है, चिल सीन है, लेकिन जो है ना है वही फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं तो डैश मामले में हम कभी एक पेज पे नहीं आते तो वो क्या जवाब हो, तुम लोग भी सोच के रख लो। आई थिंक पसंद से, किसी आर्टिस्ट को पसंद अगर ये कर लेती है तो मैं कहती नहीं यार ये तो नहीं अच्छा है। अच्छा, मैं कर लेती तो ये कहती नहीं यार इसमें तो ये चीज़ है। हाँ, हम कभी सेम पेज पे नहीं आ सकते। प्रेफरेंस ऐसी है कि किसी को पसंद अगर करना है तो, स्पेशली आर्टिस्ट एक्टर्स हो, किसी की पर्सनालिटी को देखकर तुम लोग कभी एक पेज पे नहीं। हाँ, इसके किसका कुछ और पर्सपेक्टिव होता है, मेरा कुछ और होता है, मोस्टली यही होता है कि इसको जो पसंद आएगा ना तो इससे मत, तुम अपनी बहन से मत करना, मैं अपने बच्चों से चलूंगी, तुम्हारी शादी नहीं होने देगी जो तुम्हें पसंद आए। तुम लोग बताओ कौन से मामले में तुम एक पेज पे नहीं आते? मेरा ख्याल है लोग, मतलब सिलेक्शन ऑफ पीपल जो है हमारी वो बहुत डिफरेंट है, मतलब ये तो मतलब कहती है कि सब बहुत अच्छे हैं, ये इस तरह ट्रस्ट पता नहीं या तो नेचुरली इसके साथ इस तरह हुआ है, इसके कभी इतने को खास फ्रेंड्स नहीं रहे हैं। हाँ, मेरा तो हाँ मतलब स्कूल लाइफ से, अभी इसका एक एक फ्रेंड्स का ग्रुप है वो मुझे वाहिद दिन से मेरी भी दोस्ती है। हाँ, वैसे मुझे इसके फ्रेंड्स कभी अच्छे नहीं लगते थे और मतलब अच्छे नहीं होते थे ना स्कूल में, इसको कभी भी कोई अच्छा नहीं, मतलब मेरी लाइफ का कोई बंदा इसको पसंद नहीं है, कि ये बहुत अच्छी है, मतलब अभी कहीं ये 100% करती, मैं वो हूँ कि जो सिर्फ पैम्पर्ड होती है ये करती है, तो मुझे होते थे कि इसके साथ भी आपको अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो मुझे इसका वो बिल, मैं इसको माना करती थी कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमेशा उनके साथ रही और एंड पे इसको लगा कि ये क्या हो गया। हाँ, फिर भी कोई नहीं बनता। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो तो मतलब इनको भी पता है, जो मेरे सारे दोस्त हैं ना वो मेरे सारी फैमिली के, मेरे बहन भाइयों के दोस्त हैं इस तरह के, तो वो हम कभी एक पेज पर नहीं आ सकते। और तुम लोग? हमारा आउटिंग पे, आउटिंग पे हम कभी भी नहीं, इसको एवरी वीकेंड जाना होता है और मुझे एवरी वीकेंड सोना होता है। लेकिन आउटिंग पे ये इसलिए मुझे फोर्स किया क्योंकि इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो मेरे पहले बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो फिर इसके फ्रेंड्स। अच्छा, वो पहले मुझे कॉल करते हैं क्या करना है चलना है, मैं बोलता हूँ मेरा, मेरे फ्रेंड्स भी इसको ज्यादा कॉल करेंगे यार तू बता दे इसको यहीं पे ही रहना, वो तो घर भी आते हैं ना, लड़ाई हो रही है आज भी तो मैं कहीं जाना है ना। हाँ, मैं मुझे बहुत मजा आता है अगर मैं इसके साथ कहीं जाऊँ ना, छुट्टियाँ अगर मैं इसके साथ कहीं जाऊँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मैं इसी के साथ इतने मजे कर लेती हूँ। मुझे कहती है अहमद फौरन चलते हैं कहीं चाय वाय पे, मैंने बोला नहीं जाना, घूमना होता है मुझे नहीं घूमना होता, तो हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट कब से चलता आ रहा है। डैश चीज हम कभी एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। ये कैसी बहने हैं, तो नहीं करते, कपड़े भी कर लेते हैं, एक्सेसरीज भी कर लेते हैं, शूज भी नहीं चाहिए कैसे, बिकॉज़ मेरा पांव का साइज बड़ा है, वो तो एक जनरल मसला है ना, बट टॉवल तो कर सकते, टॉवल नहीं करते। तुम लोग?
हम लोग, मुझे ऐसे लगता है कि एक दूसरे को ना, हम बहन भाई इतने पजेसिव हैं एक दूसरे को लेके, आगे लाइफ में नो डाउट करना पड़ता है लेकिन पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन अभी तक इतने बड़े भी हो गए, कोई कजन आ जाए, किसी का फ्रेंड बहुत क्लोज हो रहा है ना, तो बस वहाँ पे मुंह बना बना के फिरेंगे और बस फिर हम कोशिश करते हैं कि वापस अब वापस आओ। छोटे वाले को भी अगर मेरा कोई दोस्त है ना, अगर वो देख रहा है कि इसको ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो बेशक घर में आए मैं और मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि अच्छा और बताओ ये हो गया, तो वो वहाँ बैठा हुआ ना वही सुन हो जाएगा कि मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे डिवैल्यू कर दिया। हालांकि बोलते नहीं है भाई, तो नॉर्मली इतना एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई है, वो फिर ना पंकज उदास बन के कभी वहाँ देखा हुआ है, और उसका ये दो मतलब ये ना कि कल हम ठीक हो गए कि अब दोस्त चले गए चलो ठीक, वो वैसे ही रहे, बस उसका साथ धोखा हो गया उसको हर्ट कर। हम सारे मतलब मुझे भी ऐसे रहता है कि ये जब ज्यादा दूर रहेंगे फ्रेंड्स में, तो मुझे भी, मैं भी बड़ी पजेसिव हो जाती हूं कि नहीं तो भाई, ये पजेसिव वाली वाली चीज जो है तुम लोग उस एक पेज एक दूसरे को तो शेयर नहीं कर सकते इस तरह के भाई, तुम दुनिया में खुले। मैं इससे सभी को शेयर कर लेती हूं, हेयर ब्रश नहीं शेयर करती मैं अपने बालों के, मेरा भी अलग है थोड़ा। हां हां बाकी तो मैं भी नहीं करती, मेरा शॉर्ट भी अलग है, वो भी यूज नहीं करती, वो भी आप हमारे घर में तो सबका साइज एक है, तो हमें पता नहीं है किसकी टी शर्ट किसकी अलमारी में, किसकी जीन्स किधर है, हम सबके मतलब चारों साथ ये हो रहा था, टी शर्ट हमारी सबकी इधर उधर ब्लैक व्हाइट किसकी कौन पहन रहा, क्योंकि कभी हमारी हाई वेस्ट चल रही होती है कभी लो वेस्ट चल रही होती है, तो वो पता ही नहीं हमारी काम वाली बाजी ये किसकी है, फिर खुद भी देखनी पड़ती है। नहीं नहीं फिर उसने मुझे मेरे भाई ने बताया कि जिसकी गहरी पॉकेट्स होती हैं वो हमारी होती हैं यार, जिसका लेफ्ट पे बटन होता है वो तुम्हारी होता है, मैं तो उनकी भी पहन के चली जाती हूं, वो लेफ्ट राइट का कोई मसला नहीं है। कहते हैं कि शुक्र है इसको हमारे शूज नहीं आते नहीं तो ये तो वो भी पहनते हैं, हमारी जितनी हुडीज होती हैं हमारे और वो ना जब भाई पहनते हैं ना उसको खींच खींच के लूज कर लेते हैं, लूज में क्या पता चलता है हमारी सारी खराब कर देते हैं, मेरे सारे ट्रैक सूट इन दोनों ने इतने खराब किए ना, मतलब मैं बता रही हूँ सबको पता लगना चाहिए, मेरे सारे ट्रैक सूट दोनों भाइयों ने खराब किए, आजकल ओवर साइज शर्ट्स हुडीज चल रही है तो सही है, इसीलिए अब चारों का चलता है चलता है ये। वाओ अच्छा कौन सी एक आदत है डैश आदत है जिससे एक दूसरे मतलब आप लोग चिढ़ते हो एक दूसरे से, कोई एक डैश आदत जो एक दूसरे की पसंद नहीं है, तुम्हें कौन सी इसकी आदत पसंद नहीं है, तुम्हें कौन सी इसकी आदत पसंद है बताओ। क्या मेरी आदत नहीं पसंद ये घर बहुत बिखराती है और मुझे इवेंचुअली मुझे समेटना पड़ता है तो वो मुझे नहीं पसंद, मुझे इसकी एक ये आदत नहीं पसंद कि जब क्योंकि अब ये बड़ी हो गई है मैं इससे कुछ डिस्कस करती हूँ तो ये यूं कोई सुनती रहती है, सुन मैं बोलती हूँ तो मुझे बताओ, इफ आई एम गोइंग रॉन्ग तो मुझे बताओ कि यार तुम गलत कर रही हो, कवर ऐसा नहीं करो, यूर हाँ हाँ ये अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा ये कैसे यार देखो ये हो गया ये मुझे इसकी आदत बुरी लगती है, मुझे लगता है मुझे एक ओपिनियन चाहिए एंड आई नीड इट फ्रॉम यू तो तुम मुझे दो। एक बार इन्होंने मुझसे पूछा अच्छा मैंने कपड़े पहने इस पे स्नीकर्स कैसे लगेंगे ना, तो मुझे पता नहीं था स्नीकर्स में मतलब बहुत बेहतरीन लगेंगे तुम पहनोगे, कौन से अच्छे स्नीकर्स लाके दो मतलब वो कहां क्या क्या होते हैं कर दीवार से बात कर रही और तुम लोग इसकी तो मैं आज कितनी बार बहुत लेजी है मतलब इतनी डेड है मतलब मैं जितनी लाइवली हूँ ना उतनी डेड है। अब मैं 14 अगस्त पे यहाँ थी तो मतलब मुझे हर दिन सेलिब्रेट करना होता, अब मैंने सोचा कि मैंने कहा मुझे जाके ना जिसके ऊपर उर्दू में लिखा होता है ना जश्न आज़ादी वो शर्ट ढूंढ के दो मुझे बाजा लेके दो और ये ऐसे मैं अपनी चीज़ें ढूंढ रही हूँ पीछे गाड़ी में से पड़ी हुई मैं मम्मी यार कुछ तो एक्साइटमेंट ना मॉल लेके गई कि ना यहाँ से तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो ताकि हम तरीके से घर चले जाए, कहती है नहीं जो रेड़ी पर होते हैं जो लगे होते हैं मुझे मैंने कहा उसकी फीलिंग ही हो रहा है, मैंने कहा 300 रुपए की, मैंने अम्मा को भी बोले कहती है अम्मा 300 रुपए की शर्ट ढूंढने के चक्कर में 2500 का पेट्रोल खा गई और तुम्हें कौन सी इसकी आदत से चढ़े यही वाली यही आदत की मुझे क्यों बार बार बेकार मतलब मैं कहती हूँ की नहीं मतलब मेरा एक बबल होता है उसमें से मतलब बेसिकली ये लोग ये चाह रहे होते हैं कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगी हर वक्त चुप रहती है या उठती नहीं है मतलब एक मेरा चल रहा होता है काम के टाइम पे मैं डेड हो जाती हूँ मेरा माइंड ऑफ होता है तो ये लोग कोशिश करते हैं लेकिन मैं समटाइम्स चिढ़ जाती हूँ कि नहीं मुझे मेरा टाइम मी टाइम चाहिए मतलब उसमें थोड़ा खुश होना होता है या अपने आप को थोड़ा आप कहते हैं कि खुद पता चलता है कि क्या गलतियां हैं कैसे सही हो सकती हैं कैसे चल सकता है, इनको लगता नहीं चलो उठो तैयार हो जो बैठे लेकिन सब सही हो जाएगा सही होता ही नहीं है बाहर जाने लेकिन से मुझे से मैं बाजे बजाए से मेरी वीडियोस बनाई इसने बड़ा एंजॉय किया मैंने इसको भी एंजॉय कराया
तुम लोगों का क्या चीज़, एक दूसरे से क्या चीज़? मुझे इसकी आदत नहीं पसंद, मैं जैसे पूरे दिन बाद घर आता हूँ ना, तो वो मेरा होता है कि मैं बस फौरन से रूम में चला जाऊँ खाना खा के, और ये पूरा दिन वेट करती है कि अहमद आएगा तो हम पूरे दिन की मस्ती करेंगे, और मुझे इसकी आदत नहीं पसंद। फौरन अहमद बैठो इधर आओ, क्या कर रहे हैं कल, क्या छुट्टी होती है ना, जान लोगों को खुशी होती है, मुझे छुट्टी की खुशी नहीं होती, उस दिन छुट्टी को मैं रात के 2 बजे तक बैठ के मूवी देख रहा हूँ कोई रहमा के साथ, जबरदस्ती जबरदस्ती वो स्टोरी भी यही बताई जा रही है, ये हो रहा है ये हो रहा है, क्योंकि मैं तो नींद में हूँ, मुझे छुट्टी पसंद ही नहीं है, मुझे छुट्टी पसंद ही नहीं है। और तुम बताओ इसकी आदत? वैसे तो ये कोई तंग नहीं करता, लेकिन कभी चिढ़ जाए ना, और छोटी सी बात है, मैं ऐसे कहती हूँ मैं दरवाजा बंद करके जाना, दरवाजा पूरा खोल के मुझे देख के कि देखो मैं खोल के गया चला जाए, थैंक यू सो मच, इतना मजा आया तुम लोगों से मिलकर, फ्रेश हो गई मैं तो, फ्रेश हो गई, मुझे उम्मीद है आप लोग भी फ्रेश हो गए होंगे, ये बातें ही ऐसी है, रिश्ता ही ऐसा है, वो ऐसा है ना, मेरी सास बहुत अच्छी सी एक बात कहती थी ये रिश्ता ऐसा है कि कोई लकड़ी से इसमें दरार डालेगा, ये पानी की तरह है फिर जुड़ जाएंगे, ये ऐसा रिश्ता है, खून का रिश्ता। सो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, खुश रहें और एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत और प्यार करते रहें। ये जो जायदादें और ये सब चीज़ें होती हैं आगे चल के, कभी कभार जो दरारें डालती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं, मैं कहती हूँ कि इस चीज़ से इंसान बहन भाइयों, मैं कहती हूँ कि बंदा बनाए ही नहीं, खा पी के जा पी के हो रहा है, सही कह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, इंजॉय करें बारिश, पकौड़े खाए और अपनी गाड़ियों को लेके खुदा के वास्ते सीवियों मत जाए, वरना बंद हो जाएगी कहीं रास्ते, खुदा हाफिज।